कंत श्री राधिका नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्ष्ये दीप्तासिकामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐ गोसाई करी चरण बंदन विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण समाधि देव करुणा निदानम कमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम जय तमाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ धर रहे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सदस्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सदस्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण सर्वप्रथम पूतना को वध किया है। पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब होता है नहीं। कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर मेरे को हृदय में बैठना चाहते हो सबसे पहले पुतना को मारो। मतलब हृदय में जो हमारी अज्ञान है अंधकार है काम क्रोध लोभ है पहले ये चीज को दूर करो। जब कृष्ण पुतना को वध किए इतने में श्री शंकर जी को पता चला प्रभु गोकुल में जन्म हुए वो अजन्मा होते हुए भी जन्म हुए। अभी शंकर जी सोच रहे हैं भगवान के सारे लीलाओं को तो हमने दर्शन की लेकिन इनके बाल गोपाल स्वरूप को अभी तक मैंने दर्शन नहीं कर पाया। शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके श्री गोकुल में पधारे। शंकर जी के श्रृंगार कैसे है लेकिन शंकर जी को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम लेकिन वो सत्यम शिवम सुंदरम तो है लेकिन कहते तो सुंदर है लेकिन उनका ऊपर का जो ड्रेस बड़े असुंदर है। बोले शरीर में क्या लगाते हैं कोई स्नो पाउडर कोई है कोई क्रीम नहीं लगाते हैं। शंकर जी क्या लगाते हैं कहते बहुत ही लगाते हैं। बोले कहाँ के बोले अच्छे कोई बहुत ही नहीं शमशान के बहुत ही लगाते हैं। बोले क्यों क्या उनको कोई क्रीम नहीं मिला कोई पाउडर नहीं मिला चंदन नहीं मिला। कहते शंकर जी ये वैष्णव नाम जथा संभव ये भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी इसलिए वो सेवक है। सेवक होने का नाते शंकर जी सोचते हैं अगर मैं अपना शरीर में चंदन लगाऊं तो सारे भक्त मेरे सारे चंदन को ला करके मेरे शरीर में लगाएंगे लेकिन मेरे जो प्रभु कृष्ण और राम है इनकी सेवा में चंदन की कमी हो जाएगी।
इसलिए वो क्या लगाते हैं, वो बहुति जगत को शिक्षा देते हैं। जिस शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजाते हो और जिसके शरीर को जीव में ले जाते हो, चबन प्रास खाते हो, जानते हो ये शरीर का परिणाम क्या है? बोले दो मुठी राख ही है। इसलिए गले में हड्डी की माला पहनते हैं। बोले भैया ये शरीर को प्रेम मत करो, एक दिन ये शरीर एक दिन दो मुठी राख बनने वाले। प्रेम करना तो श्री ठाकुर जी को प्रेम करो। इसलिए श्री शंकर जी को सर्व ऊपर में कोई बेली चमेली जुई कोई कितकी अच्छे अच्छे पुष्प नहीं चढ़ाते। जो जंगल में अपने आप होता है भदुरे और आकर्ष जो जहरीले कोई फूल शंकर जी के सर पर चढ़ाते। बोले क्यों? बोले जितने अच्छे फूल है मेरे प्रभु की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं। शंकर जी की अलंकार क्या है? कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात में नहीं पहनते है, क्योंकि सारा शरीर में सर्प ही सर्प है। बोले ये सर्प कौन है? बोले श्री अनंत नाम है, ये शंकर जी के गुरु जी है। शिक्षा देते हैं अगर इस चीज को अलंकार रूप में धारण करना तो गुरु जी के उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो जिससे हमारी कल्याण हो। शंकर जी तो अपना को छुपाने के लिए बड़ी कोशिश की, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना वो सारा दुनिया में अपना बाहवा नहीं कराते, छपाते नहीं, अपने आप को छुपाते। ये संतों का एक लक्षण है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हुए, एक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए। वो कहाँ भजन करते थे? बोले पायखाना के अंदर में। वो चारों तरफ में कांटा बिछवा देते थे, इनको लोगों को पता चलिए मछली खाने वाले बाबा हमारे पास में कोई आए नहीं। लेकिन इस भक्त लोग तो छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु उनके पास में। बता सकते हो क्या शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? बोलो बोलो क्या है? कहते इनको पास में गंगा है, इनकी जटा में शंकर जी पति पावन श्री गंगा को धारण किए हैं। और भगवत नाम को तो है ही नहीं, है महामंत्र जी जबत महिषा। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। जब शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए गोकुल में, जब आए श्री नंद बाबा ने बड़ी कड़ी पहरादार लगा दिए थे। बोले क्यों? बोले पुतना तो पहले बड़ी सुंदरी श्रद्धा जगह के आई थी, लेकिन वो निकली थी राक्षसी। इसलिए श्री नंद बाबा बोल दिए थे एरे गरे व्यक्तियों को, तो किसी एरे गरे व्यक्तियों को घर में घुस नहीं पाए। जब शंकर जी आए दर्शन करने के लिए, दरवाजा में एक दासी थी। इतने में शंकर जी बोले, बोले मैंने सुना है नंद बाबा का कि लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे क्या भयो है? बोले थोड़ी सी लाला को दर्शन करा दे। बोले बाबा उस दिन पहले ये पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन निकली राक्षसी और तू तो देखने में बेस लग रहे हो, तेरे को देख कर ही तो मेरे जी घबरा रहा है। बोले लाला का दर्शन वर्शन नहीं होगा? उसने जाकर के मैया जसोदा को बोल दी। बोले कहीं से के बाबा आया जाकर के देखो। मैया तो देख करके डर गई। बोले बाबा कहाँ बात है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन दिला दो, बढ़िया आशीर्वाद कर दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, घर से लेकर बाहर भाग गई थी, ठाकुर को कृपा से किसी तरह से बच गया और तुम तो देखने में वैसे लगते हो। नहीं बाबा लाला को दर्शन नहीं होगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लेना लो, अपना रास्ता देखो। शंकर जी को, शंकर जी सोच रहे हैं जो काल के काल है, काल भी जिनको डरते हैं वो कह रहे मेरे को देख करके डर जाएंगे, उनको पता नहीं ये कृष्ण कौन है। लेकिन मैया तो कृष्ण को कोने में लेकर के छुपा दी, लेकिन शंकर जी त्रिशूल गार करके बैठ गए और प्रभु को याद करने लगे। बोले प्रभु आपके हमने सारे लीला देखा है, लेकिन आपकी ये बाल गोपाल स्वरूप हमने नहीं देखा, एक बार हमें दर्शन दे दो। भगवान बड़ी भक्त वत्स है। अभी शंकर जी को दर्शन देने के लिए कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिए, जितने थपथप लगाए उतना जोर जोर से रोए। बोले आज लाला को क्या हो गया, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है?
एक गोपी ने बोली भैया जो बाबा आया था ना वो त्रिशूल उतार कर वहीं पर बैठा हुआ आंख बंद करके लगता है तेरे लाला गोपर कोई जादू टोना कर रहा है तो तब तक बैठ रहोगा जब तक दर्शन नहीं कराओगे। मैया ने खबर भेज दी बोले देखो अगर वहां बैठ रहोगे ना हमारी यहाँ पर चार दरवाजा चार तरफ में मैं लाला को इसी तरफ में नहीं निकालूंगी दूसरे तरफ से निकाल लूंगी। शंकर जी ने कहा देखो मैं चार रूप होकर के चार दरवाजे में बैठ जाऊंगा जिस दरवाजा से लाला को निकालोगे उसी दरवाजा से ही लाला को दर्शन करूंगा। फिर भैया ने देखा क्या किया जाए फिर उनको काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी काजल की बूंद लगा दी बड़ी कष्ट से ला करके कृष्ण शंकर जी को एक झलक दर्शन दिया और दर्शन देते ही शंकर जी तो जो हंस रहे थे रोना शुरू कर दिया। कृष्ण जो रो रहे थे खिलखिला करके हंसने लग गए। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जानता है क्योंकि लाला को रोना तो ले लिया बाबा का हंसना दे दिया। मैया ने कहा बाबा तेरे को कोई जादू टोना आता है क्या? बोले और क्या बढ़िया जादू टोना आता है। बोले मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है कोई दवा है? बोले एक काम करोगे ना तुम्हारे लाला को कभी भी नजर नहीं लगेगा। बोले बाबा बता दे। बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगे उनकी जो चरणामृत ला करके मेरे सर पर डाल देना क्योंकि शंकर जी के सर के ऊपर गंगा है। ये गंगा कौन है? ठाकुर जी की चरणामृत है। आप लोग देखना जो कावर होते हैं ना जो गंगा पानी लेकर शंकर जी के सर पर डालते हैं शंकर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न उसी में होते हैं। बोले क्यों? बोले भगवान की चरणामृत सबसे पवित्र वस्तु है। बोले बाबा और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तुम्हारी लाला को भोजन कराओगे एक प्लेट में जो बच जाएगा उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले ठीक है बाबा सो कर लो। देखो ये सारे 5000 साल की ये कथा है। अगर अभी भी आप जाओगे नंदगांव में अभी भी नंदगांव में जाओगे ना देखोगे अभी भी भगवान का जो चरणामृत शंकर जी के सर पर डालते हैं अभी भी भगवान के जो भोग लगे वो प्रसाद होता है। लेकिन वही प्रसाद जब भगवान की किसी भक्तों को लग जाए ना वो प्रसाद नहीं वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए नियम है कोई भी चीज शंकर जी को दुर्गा जी को गणेश जी को पार्वती जी को कोई भी हनुमान जी को कोई भी चीज आगे नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं हनुमान जी को पास में लड्डू ले जाएंगे मुंह में ठोसेंगे बोले हनुमान खाओ लड्डू। भैया हनुमान क्या भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खाएंगे? बोले जब तक प्रभु राम की भोग नहीं लगे जब तक माता जानकी नहीं खाते हैं भले ही एक मन की उस करोड़ों मन की अगर लड्डू की भोग लगा दो ना हनुमान जी देखेंगे नहीं उस तरह। लेकिन जब प्रभु राम की भोग लग जाएगी देने का जरूरत नहीं हनुमान लपक कर खा लेंगे क्यों ठाकुर जी को भोग लग गया है। इसलिए जब राम दरबार बैठता है हनुमान जी कहाँ बैठते होते हैं? चरण में हनुमान जी बैठते हैं। इसलिए कोई भी चीज को कोई देवा देवी को नहीं देनी चाहिए पहले सबसे पहले कृष्ण को दो नहीं तो भगवान राम को दो नहीं तो भगवान विष्णु को दो फिर वो प्रसाद को सारे देवानिधि ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं। बोले श्री भोले बाबा की बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कृष्ण अभी तो कृष्ण ने क्या क्या करवट ले लिए करके 3 महीना में बच्चा करवट लेता है। मैया तो बड़ी खुश हो गई आज लाला ने करवट लिया है आज घर में इसकी हम उत्सव मनाएंगे। उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी माताओं को बुला दी अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी जितने मक्खन मिश्री था सबके सब एक बैलगाड़ी ऊपर रख दी और माताएं बैठ करके बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की कीर्तन कर रहे थे। बोले जियो श्याम लाल जियो श्याम उधर उधर लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल पीली तेरी पगड़ी रंग काला
दिल चेरी पकोरी रंग का का बेटा उत्पन्न था। एक दिन लोमर से ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया
और उनकी बगीचा के जितने फल फूल पेड़ तक तोड़ दिए। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, ठाकुर जी की इसलिए भगवान तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए, भगवान की बात को उजाड़ने के लिए जा, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तेरे ये शरीर नहीं रहेगा। देखा धीरे 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 उसका शरीर ही गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गया उसकी। संतों की चरण में गिर पड़े, संत बड़े दयालु होते हैं, बोले जा द्वापर युग में जब कृष्ण रूप में ठाकुर जी आएंगे उनके चरण स्पर्श से तेरे को उद्धार मिलेगा। अभी वो सगड़ा सुन आ गया, बोले कृष्ण कहाँ पर? देखा बैलगाड़ी के नीचे उसमें सवार हो गया। बोले धीरे धीरे दबाते दबाते कृष्ण को पीछ डाल दिया। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, कल सब मामा है ना, उनके संबंधी सबके सब मामा लगते हैं कृष्ण को। बोले 3 महीना की धीरे 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 अपना चरण हिलाना शुरू किया, करते 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 ऐसे ठोकर मारे पूरा बैलगाड़ी पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सब सब टूट फूट करके बिखर गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया कृष्ण के चरण में कितने शक्ति है। अभी कृष्ण केवल 3 महीना के, कल हम लोग सुन रहे थे कृष्ण पुतना कुमार, वहां पर शिक्षा देते हैं कृष्ण केवल 6 दिन के, लेकिन उसकी होठ में कितनी शक्ति है। क्योंकि जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, ये साधारण कोई कृष्ण नहीं। इतने में सारे ब्रजवासी जो कीर्तन कर रहे थे सबके सब खड़े होकर बोले भैया क्या हुआ, आंधी तूफान कुछ है नहीं, पलट पलटी कैसे? सबके सब इकट्ठे हो गए। लेकिन ये सखाओं ने देखा था कृष्ण के चरण के ठोकर से ही ये गाड़ी पलट गई थी। सखाओं ने तोतली तोतली बोली से बोले भाई भैया भैया हमने बताए बताए, बोले बताओ, बोले जानते हो कैसे गाड़ी पलट गई? बोले कैसे? बोले कृष्ण की चक्र चरण की ठोकर से। बोले लगता है धान की गोला दबा खा ली है लाला, अभी 3 महीना की इसकी चरण ठोकर से बैलगाड़ी पलट गई। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भैया ने कृष्ण को फिर बीच में ले आकर लेटा देती है, फिर गोपियां कीर्तन करती, कृष्ण खुश हो गए। बोले भैया मैं तो पहले यही चाह रहा था, अगर पहले मेरे को ले आते ना इतना नटखट में थोड़ी करता। हाँ देखो कृष्ण इसमें शिक्षा क्या देते हैं, बोले घर में अगर कोई उत्सव हो क्या करो, भगवान को भी उत्सव में शामिल करो, भगवान भी घर की एक सदस्य उन्हें भी बना दो। ऐसे नहीं बच्चे का बर्थडे शादी हो रही है लेकिन भगवान को उससे अलग करके निकाल कर रख दिया, यार दोस्त को बुला करके पता नहीं कितना बोतल पिला रहे हो, कितना मांस खिला रहे हो, और कृष्ण जिसने तुमको दुनिया दिया जिसका सब कुछ हो वो वहीं पर बैठा हुआ जैसे को तैसे, सारा दुनिया को उल्टा पुल्टा खिला रहे हो लेकिन ठाकुर का सेवा में कोई नजर नहीं, ठाकुर को निकाल दिया वहां से। इसलिए बोले उत्सव, उत मतलब होता है निकालना। अगर घर में कोई उत्सव हो अगर प्रभु को वहां से निकाल दिया रह जाएगा सब, सब मतलब होता है मरा हुआ शरीर, मरा हुआ शरीर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे ठोकर मारूंगा ना सारे सत्यानाश तुम्हारी कर दूंगा, इसलिए जो कुछ भैया करो मेरे को लेकर कर। कभी कभी खुद तो 3 में 2 बार अपना ड्रेस बदलाते हैं लेकिन ठाकुर जी 10-15 दिन से 1 महीना से एक कपड़ा पहन करके ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर को सेवा में कोई नजर नहीं, ठाकुर को खिलाने में कोई नजर नहीं, दुनियादारी की सेवा में हम लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं करो, जो कुछ करो ठाकुर के लिए भी क्या करो, ठाकुर जी को भी उसमें जोड़ लो। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कृष्ण कितने बड़े हुए हैं, जब एक बच्चा आप देखना सांप जैसे धीरे धीरे चलता है ना, बच्चा जब पेट के सहारा से चलने लग जाए, पहले हर घर में चौकट होता था, चौकट जानते हो दहली होता था हर घर में, अभी तो सब खत्म हो गई, अभी नहीं है, इसलिए दहली होता था। नंद बाबा का घर में बड़ी ऊंची दहली, अभी कृष्ण पेट के सहारा से घिसटते घिसटते दहली तक आए, और दहली की ऊंचाई आधा तो बाहर शरीर और आधा हो गया अंदर, इतने में कृष्ण पूरा लटक गए, अभी उधर भी नहीं जा पा रहे कृष्ण भी, इधर भी नहीं आ पा रहे, अभी तो घुटन घुटन भी चलना प्रभु का आता ही नहीं,
और इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय श्री नारद जी और श्री लोमर से ऋषि प्रभु को दर्शन करने के लिए आए थे। ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं और देखा ठाकुर जी लटकत ठाकुर लटक रहे हैं और रो रहे हैं। अभी ये लीला को देख करके नारद जी तो बड़ी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया ठाल लगा करके। फिर थोड़ी देर बाद में फिर नारद जी रोना शुरू कर दी। साथ में लोमर से ऋषि थे। वे नारद जी पहले तो अब हंसे और बाद में रोए, इसका मतलब क्या है? बोले इसलिए मैं हंस रहा था भक्तों का सौभाग्य को देख देख करके। ठाकुर का ये दहेज पार नहीं हो सकते है ठाकुर जी। बोले जिनका नाम लेने पर जीव ये भव सागर से पार हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी देखो एक दहेज को भी पार नहीं हो पा रहे, क्यों ऐसे कर रहे हैं? बोले भक्तों को ऊपर भी कृपा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, इसलिए प्रभु इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देख देख हंस रहा था। बोले रो रहे थे क्यों? बोले इसलिए मैं रो रहा था ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख। जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप मानते हैं, प्रभु की लीला को माया की मानते हैं, प्रभु की लीला को नित्य नहीं मानते हैं, प्रभु को लीला को स्मरण नहीं करते हैं, इसलिए उनकी दुर्भाग्य को देख देख करके मैं रो रहा था। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए अभी कृष्ण का सबसे पहले जो दो दांत निकली, जो दो दांत निकली, एक दिन मैया कन्हैया को मुंह में अंगुल डाल करके देख रही थी, लाला के भी दो दांत निकल गए। लेकिन जब अंगुल अंदर में मुंह में डाले ना कन्हैया तो अंगुल को मुंह में दबा दिया अंगुल को। मैया बोले लाला छोड़ छोड़ अंगुल में दबा छोड़ छोड़। फिर किसी तरह से मैया अंगुल को बाहर निकाली। इसलिए कृष्ण सबसे पहले उनके मुंह से मां शब्द निकला। मैया जसोदा मां शब्द सुन करके उनकी छाती इतना फूल गया। बोले क्यों? बोले माताओं के हृदय में एक भावना रहती है बच्चा कब हमें मां शब्द बोले। ये मां शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। आप लोगों ने कई कई का नाम सुने हो? कौन कौन कई कई का नाम सुने हो? जानते हो? देखो बोले जिस समय कैकेयी ने राम सीता को वनवास में भेज दिया, भरत को जब ये बात पता चला भरत इतना क्रोधित हुआ, बोले अगर रामचंद्र नाराज नहीं होते ना आज तेरे सर उतारता ही पर, जिंदगी भर के लिए तेरे को मैं कभी मां नहीं बोलूंगा। इसलिए कभी भरत कभी मां नहीं बोले, हर समय बोलते थे महारानी कैकेयी। एक दिन कैकेयी मैया राम के पास में गई। बोले राम एक बात करोगे? बोले बताओ भैया क्या आदेश है? बोले एक बार भरत को बोल दो मेरे को एक बार माँ बोल दे और ये माँ शब्द सुनकर के मैं अपना प्राण त्याग देंगे। इतने में राम ने भरत जी को बुलाए। बोले भरत जी इधर आ। जब इधर आए बोले भरत एक आदेश पालना करोगे? भरत जी ने कहा प्रभु सेवक तीन तरह का होते हैं, कहते एक उत्तम एक मध्यम और एक कनिष्ठ। लेकिन उत्तम सेवक किसको कहते हैं? बोले बोलने से पहले मन की भावना को समझ करके जो कर ले, जिनको आदेश देना नहीं पड़े, कहते ये उत्तम सेवक है। बोले मध्यम सेवक कौन है? बोले आदेश देने पर उसको सम्मान पूर्वक जो आदेश को पालन करे, बोले ये मध्यम सेवक है। बोले कनिष्ठ कौन है? बोले कनिष्ठ कौन है? बोले जिसको आदेश देने पर करे तो करे, लेकिन बोले जैसे भ्रमर, तीर, बहुत सारे उदाहरण दिया। भ्रमर मतलब होता है भौंरा को देखना गुनगुन 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 करता है। जब गुरुदेव कोई आदेश देते हैं कि किसको, बोले गुरु जी वहां जाने पर आप भेज रहे हो, अमुक व्यक्ति अगर मिले नहीं तो फिर क्या होएगा? अरे वापस आना पड़ेगा ना वहां से, पर इतना कष्ट करके गिर जा, इसको भ्रमर कहते हैं। तीर मतलब होता है सुना नहीं गुरुदेव जी आप बोलते, पहले भागना शुरू कर दिया, भाग करके बोले भैया गुरु जी क्या बोले, बोले ही नहीं, फिर वहां से वापस आते हैं। इसलिए कनिष्ठ सेवक उसको कहते हैं जो आदेश करने पर बड़े कष्ट से करे। लेकिन सबसे अधम सेवक किसको कहते हैं?
बोले बोलने पर भी जो आदेश को पालन नहीं करे, इसलिए गुरुदेव कहते हैं सेवक, सेवक, उससे सेव निकाल दो क्या रह जाएगा? बोले बक, बक मतलब होता है बगुला सेवक है, वो सेवक नहीं, वो कपटी बगुला सेवक है। इसलिए भारत जी ने कहा प्रभु जी अभी तक आप कभी मेरे को आदेश नहीं दिए हो, आदेश देने से पहले मैं आपको इच्छा जान करके पहले ही सेवा करता हूँ, लेकिन आज जीवन में पहला बार मेरे को आप आदेश दे रहे हो। बोले प्रभु जी आपको सारे आदेश में तो मैं पालन करूंगा, लेकिन एक आदेश को मैं पालन नहीं कर सकता हूँ, ये कई कई को मैं कभी माँ नहीं बोल सकता। इसलिए ये जो माँ शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। इसलिए कृष्णा जब सबसे पहले अपना मुंह से माँ शब्द को निकाले सुन करके मैया कई कई इतने प्रसन्न हुई, इतने प्रसन्न हो गई। फिर उसको बाद में फिर उन्होंने बाबा बोला, फिर उसको बाद में उन्होंने भैया बोला। इसलिए श्री सूरदास भी बड़ी सुंदर इसके ऊपर में पद लिखते हैं, कृष्ण कैसे मैया मैया बाबा बाबा और भैया भैया कैसे बोलते हैं, बड़े सुंदर भजन। हाँ प्रभु जी एक बढ़िया सुंदर गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हर के हृदय लगे मोहन, मैया मैया के हृदय लगे मोहन, हृदय लगे मोहन, मैया मैया हृदय लगे मोहन, मैया मैया हो मैया मैया Yeah, yeah, yeah.
Thank you.
जब नंद बाबा के घर में आए, नंद बाबा बड़ी प्रसन्न हो गए, बोले अहो भाग्य है आज घर में संत लोग आए, मेरा भाग्य जग गया। तो उन्होंने उनको चरण में उनको बैठाए, उनका चरण धोए और उन्होंने अपने आप बोल पड़े, गर्गाचार्य जी आप कृपा करके जब आए हो लाला का थोड़ा नामकरण करवा दो। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए और कृष्ण बलराम को श्री जसोदा और रोहिणी ने दोनों बालकों को लेकर के आए। पहला नामकरण बड़ा बेटा का होनी चाहिए। गर्गाचार्य भी ध्यान लगाए, ध्यान लगा करके उन्होंने दर्शन किया, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहित गुणई, इसका नाम होगा राम होगा, क्योंकि इस सबको परिवार को बड़ा आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम होगा राम होगा। बोले बलाधिक्यम बलम विदु, ये बल में बड़ा हृष्ट पुष्ट होगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम होगा। ये बच्चों को गोद में बैठो, मैं तो पीछे भेज दो, ये दोनों बच्चों को पीछे भेज दो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे नहीं भागवत देखो, पीछे चले जाओ, आगे नहीं आ, इसलिए इनका नाम बलराम होगा और इसका एक नाम होगा संकर्षण। ये पहले देव के गर्भ में आए, जोग माया ने इनको आकर्षण करके उन्होंने रोहिणी गर्भ में स्थापन की, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अभी कृष्ण का नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जब ध्यान लगाए, इनके ध्यान में एकदम डूब गए, इनका आंख ही नहीं खुली। बोले क्यों? गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा थे, जिसका एक दो चार पांच नाम हो कोई तो नाम रख ले, लेकिन देखा विश्व ब्रह्मांड में जितने नाम सब इन्हीं के नाम, कहते ना हरि अनंत हरि तथा अनंत अनंत नाम इनकी। अभी तो सोच में पड़ गए, भैया नाम रखो तो किसका नाम रखो, कौन सा नाम रखो। इतने में नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को पकड़ करके हिलाए, बोले बोलो तो मेरे लाला का नाम क्या होगा। बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य ग्रीनो तो अनुजुगम तनो शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण तांगत। बोले हे श्री नंद बाबा, तुम्हारा जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है, इसलिए शुक्ल वर्ण धारण करके ये सत्य युग में आया था, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, कलयुग में तुम्हारी यही बेटा श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे और विश्व ब्रह्मांड में ये हरि कीर्तन को सर्वत्र प्रचार करेंगे, और एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में कृष्ण नाम गुंज उठेगा, सबके सब प्रसन्न होकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी वो कृष्ण वर्ण लेकर के आया, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण है, क्योंकि जो कृष्ण नाम सबसे मीठा नाम है, कृष्ण नाम सबसे मीठा नाम। कृष्ण मतलब क्या? काला, काला मतलब कोलतार जैसे, इस कोलतार जैसे नहीं। उनको उदाहरण दिया इंद्र नील मणि कृष्ण रूप का, एक मणि जिसको इंद्र नील मणि कहते हैं, जैसे मेघ जब घना मेघ हो जाए, जैसे मेघ का रंग ऐसे ही कृष्ण रंग है, और काला इसलिए कृष्ण अब बहुत सारे रंग को मिला हो, देखना अलग अलग रंग होंगे, लेकिन काला रंग मिला तो सारे रंग को अपना लेता है, मतलब जिसको पर काला रंग चढ़ जाए ना, तो चढ़ना दूजरा उसको पर, मतलब कोई रवि काम नहीं करता है उसको पर है। और कृष्ण मतलब होता है सुंदर भी होता है, कृष्ण मतलब सुंदर होता है, इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम रख दिए। वहां पर श्री गर्गाचार्य कह रहे थे, बोले नंदा तुम्हारे जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है, एक बार सत्य युग में अकाल पड़ गया, तुम्हारे बेटा आकर के जगत को रक्षा किया,
इसलिए जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ये हर युग युग में आकर के दुष्टों को विनाश और धर्म को स्थापन करता है। इनकी इतने नाम इतने रूप इतने गुण हैं, वेद भी जिनका कोई था नहीं पाता है। लेकिन वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी और ये ज्योतिषी कोई काम की बात बताती है, बिना काम की बात बताती जा रहे। इतना नाम इतने रूप, अरे इससे क्या मतलब है? हर माताएं क्या सोचती हैं, लाला जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, घर में शादी कब हो, घर में बहू कब आ जाए। क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना, माताओं को सारे काम धाम उनको करना पड़ता है। घर में बहू आ जाए फिर काम धाम को वही देख लेती है। मैया सोच रही है इतने बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक ये घर का काम धाम मैं संभालूं। ज्योतिष तो ये बताए मैया लाला की कितने शादी होगी, बहू कहाँ से आएगी, कितने बहू या इस बात तो बताए। देखो मैया तो बड़ी मोहिनी भर, श्री कर्काचार्य एक बात बता रहे थे लेकिन मैया जसोदा अपना मनमानी अर्थ लगा रहे। देखो एक श्लोक से दो अर्थ होता है। बोले बहुनी संति नामानी, गर्गाचार्य कह रहे हैं तुम्हारी जो लाला है ना, ये बहुनी संति नामानी, इनकी नाम बहुत होगा, रूप गुण बहुत ही होगी। लेकिन मैया सोच रही थी बहुनी संति नामानी, मतलब मेरे लाला का बहुत सारी बहुएं होगी है। सचमुच से जो वृंदावन में एक राधा जी तो है ही है, फिर ललिता विशाखा चंपक लता तुम्ब विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी कृष्ण, फिर जब रास करते हैं बोले भैया 100 करोड़ भूमिया। फिर कृष्ण जब द्वारका जाते हैं 16108 पटरंग, बात भी तो सही है। बोले इनकी नाम भी अलग अलग होगी, इनकी रूप भी अलग होगी, कोई काली होगी कोई गोरी होगी कोई सवर्ण वर्ण की होगी। बोले भैया काली गोरी से कोई मतलब नहीं, बहू होनी चाहिए, क्योंकि जितने बहु होगी उतना सास का सेवा तो होगी ना। इसलिए मैया तो खुश हो गए। बोले पंडित अभी काम की बात बताए, बड़ी खुश हो गए। खुश हो करके उन्होंने इनके चरण में कन्हैया को लेटा दिया। बोले बाबा लाला का आशीर्वाद करो। गर्गाचार्य बोले हे भगवान, उनको पता है ना ये भगवान, और देखा भगवान को चरण को नीचे लेटा दिए, लेकिन उन्होंने ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिए और मैया जसोदा उनको बड़े सुंदर दक्षिणा प्रदान की। गर्गाचार्य प्रसन्न होकर चले गए। बोले क्यों, आज मेरे कितने भाग्य है जो ठाकुर जी का गोद में ठाकुर को लिया और ठाकुर जी का हमने नाम करना की। जब सबके सब चले गए ना, ब्रजवासियों ने मैया से पूछे बोले ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखो है। बोले बड़ा बेटा का नाम बलराम, छोटा बेटा का नाम कृष्ण। बोले नाम तो बड़े अच्छे है लेकिन ये जो कृष्ण नाम, जब तक ये जीवा 3 बार पलट नहीं जाए कृष्ण नाम ही नहीं निकले। बोले कोई बात नहीं, ये नाम तो जन्म पत्री में रहे लेकिन अपना घर का नाम अलग रख देते हैं। बड़ा बेटा का नाम बलुआ, छोटा बेटा का नाम कनुआ, कनुआ और बलुआ। बोले श्री कनुआ बलुआ की, बोले श्री कृष्ण बलराम की। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। जब कृष्ण बड़े हुए एक दिन नंद बाबा कृष्ण बलराम को दोनों जंगे के ऊपर बैठा करके रखे और दोनों को कड़ी बात खिला रहे थे, एक और कन्हैया को एक और दाऊ भैया को और एक और खुद खा रहे थे। लेकिन एक हरी वृक्ष को उन्होंने चावलों के अंदर में छुपा करके रखे थे और बीच बीच में निकाल करके दांत थोड़ी सी काट कर खा लेते थे, फिर चावल में छुपा देते थे। क्यों, अभी छोटे बच्चे ये खा नहीं थे। इतने में कृष्ण ने देखा भैया पिताजी ये क्या छुपा छुपा करें, कभी कभी बीच बीच में निकालते हैं पर चावल में छुपा देते हैं, लगता है कोई बढ़िया चीज होगा। हाँ इसलिए पिताजी हम दोनों को नहीं खिला कर खुद नजर बचाते हुए खा रहे हैं। कृष्ण ने ताऊ भैया से इशारा किया, बोले ताऊ लगता है पिताजी कोई बढ़िया चीज खा रहे हैं, वो हमें नहीं दे रहे, तो उतना निकाल कर खाओ। तो ताऊ बोले भैया ये नटखट काम करे नहीं, नटखट काम तेरे, तू ये काम कर। इतने में कृष्ण ने पिताजी की नजर बचाते हुए वो जो हरी मिर्च था ना उसको पूरा निकालने सोचा, बहुत कोई बढ़िया चीज होगा, सीधा मुंह में डाल दिए और उन्हें जब चिबाने लगे इतने मिर्च थी। इतने में कृष्ण तो नाचना शुरू कर दिए। तब से नंद बाबा ने प्रतिज्ञा की आज से कभी मैं मिर्च नहीं खाऊंगा,
आप देखना जितने पुराने पुराने स्थान में मंदिर में जाओ ना, देखना ठाकुर को मेरी कभी भोग नहीं लगता। बोले क्यों? तो ठाकुर का मुंह कितने कोमल है, ठाकुर मक्खन खाने वाले हैं, ये मिर्च को कैसे ठाकुर जी खाएंगे। जितने पुराने पुराने मंदिर में देखो मिर्च व्यवहार नहीं होती है, क्योंकि ठाकुर जी की उनके बाल गोपाल रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक दिन भैया जसोदा कृष्ण बलराम दोनों भैया को बड़ा सुंदर श्रृंगार किए। बोले जाओ तुम दोनों भैया खेलो, मैं घर का काम करती हूँ। कृष्ण बलराम ने सोचा जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ पड़ती है, मैया हमें गोमूत्र और गोबर से हमें स्नान कराती है। बोले भैया इसमें ये क्या चीज, क्यों स्नान कराती? चलो गैया वहीं पर बैठे हुए थे, दोनों भैया गए और जितने गोबर गोमूत्र मिट्टी था ना सारे को सारा शरीर में पोत दिए और वहीं पर बैठे हुए दोनों भैया। भैया बोले ये दुष्ट दोनों गए कहां? बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहां हो? बोले मैया हम यहाँ पर। बोले वहां क्या कर रहे हो? मैया जा करके देखे सारे कीचड़ में सने हुए। बोले अभी अभी तुम दोनों का स्नान करके श्रृंगार किया और एक मिनट में सब बर्बाद कर दी। मैया तो दोनों भैया को कान पकड़ ली। बोले क्यों रे? बोले तुम सुकर असी गत्ता पुतना रे, हे पुतना के हरी, क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे? कृष्ण तो सिर से चिल्लाए। बोले भैया मैं तो पहले सुअर था लेकिन तेरे भी कैसे पता चल गया? क्योंकि भगवान सत्य युग में बराह अवतार लिए थे। ये जो बराह अवतार सुअर का अवतार है, आज भगवान कृष्ण गोमूत्र गोबर की महिमा दिखाए हैं। इसलिए आप देखना मरने का बाद पवित्र करने के लिए बाप भगवान की चरणा पर तब गोबर गोमूत्र को मिला दे। इसलिए जिस समय ब्रह्मा जी ये गैया को उन्होंने सृष्टि की, 33 करोड़ देवता को उन्होंने गैया के अंदर में निवास दिया, लेकिन उसी समय में लक्ष्मी सरस्वती थी नहीं। इनको पता चला ब्रह्मा जी ऐसे एक अद्भुत उन्होंने प्राणी सृष्टि की है जिसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास। लक्ष्मी सरस्वती आए, बोले ब्रह्मा जी हम वंचित तो हो गए, हमें भी कई स्थान तो। बोले कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए, पूरा भर गया है। बोले कहीं तो स्थान दे दो। ब्रह्मा जी सोचे, बोले दो जगह अभी बाकी है। बोले कहाँ? बोले मूत्र और मल में, जो सबसे अपवित्र स्थान अभी दो बाकी है, बैठोगे? बोले हमें वहीं पर स्थान दे दो। इसलिए गैया की मूत्र और गोबर में लक्ष्मी सरस्वती की निवास है, हैं? इसलिए अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके गोमूत्र से इतनी दवा निकाल रहे हैं। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो गोमूत्र गोबर से सही नहीं होता है। हमारे मंदिर में एक बाबा थे, उनको श्वास का बीमारी हो गई, कोई दवा काम नहीं की। लेकिन हमारे मंदिर में एक गौशाला है, जब गैया को उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया ना, उसका जो सुगंध आती है गोमूत्र गोबर से, अपने आप उसकी बीमारी सही हो गई, एकदम हृष्ट पुष्ट हो गई। इसलिए गोमूत्र गोबर में पृथ्वी का सारे मेडिसिन उसमें विद्यमान है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक दिन कृष्ण बलराम सोच रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं, बोले भैया ब्रज में जो कोई आए ना वो एक चीज को प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिली जाए। और रसखान कहते हैं, रमन रति लेप नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन तुम क्या समझे ब्रज के तत्वमान। बोले ब्रज में जाकर के दो काम करो। बोले क्या काम? बोले रमन रथ में लोट बोट भानी चाहिए, ब्रज रज में लोट बोट भानी चाहिए। बोले दूसरा काम, बोले यमुना की आचमन लेनी चाहिए, यमुना में आचमन लेनी चाहिए। जब तक ये दो चीज नहीं करते है ना भैया, ब्रज की महत्व तो नहीं समझ सकते हो। इसलिए ब्रह्मा भी ब्रज रज चाहते हैं, उद्धव भी ब्रज रज चाहते हैं, इसलिए विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज रज के लिए तरसते हैं। एक दिन कृष्ण ने देखा, सोचा भैया ये ब्रज रज में क्या स्वाद है, एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। सखाओं के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर गए और कृष्ण मिट्टी का ढेला उठाकर खा लिए। इतने में सखा लोग मना किया, बोले कन्या
मिट्टी मत खाया करो, पेट खराब हो जाएगी। लेकिन कृष्ण जिसकी बात नहीं सुन रहे थे, मिट्टी मिट्टी खाते जा रहे थे। सखाओ ने मैया से शिकायत कर दिया, बोले मैया कन्हे आज मिट्टी खा रहा है, किसकी बात नहीं सुन रहा है। इतने में मैया सीधा आए, आ करके कृष्ण का कान को सीधा पकड़ी, बोले अपवित्र, पहले मक्खन चोरी कर कर खाता था, अभी तुम मिट्टी खाना शुरू कर दिया। हाँ, बोले अपवित्र, बोले जिसका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है बाहर भीतर। मैया कहती तू अपवित्र, विश्व ब्रह्मांड का कान पकड़ कर कृष्ण उठाते हैं बैठाते हैं, लेकिन आज मैया भगवान की कान पकड़ रही है। बोले सच सच बता, तुमने मिट्टी नहीं खाई भी नहीं। बोले भक्ति वेदांत शांत महाराज की जय। महाराज की जय। बोले बता, तुमने मिट्टी खाई कि नहीं। कृष्ण तो सीधा, उन्होंने कृष्ण एकदम सीधा सफेद झूठ बोल दी। बोले भैया, बोले ना अहम भक्तिवानं हो सर्वे मिथ्या विसंसिनं। बोले भैया ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले जो सखा लोग बोल रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। बोले भैया आज कहा भयो तेरे को पता है। बोले कहा भयो है मारक लेते। बोले आज कहा भयो है। बोले आज ये सखा लोग भैया के बाकी वाला बोले भैया ये सखा लोग अपना घर से बोले भक्ति राज शास्त महाराज की। बोले भैया बोले भैया ये सखा लोग अपना अपना घर से ये लड्डू कटोरी मालपुआ चोरी चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पतो है मैं चोरी का चीज खाता ही नहीं। मैया बोले मेरे को अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता। बोले मैंने जब खाया नहीं ये समझ गए, ये तो खाया नहीं, ये जा करके घर में हमारी चुगली नहीं करते। लेकिन हम चुगली करने से बोली ये हमारी चुगली करती, तो बड़ी भोली भाली, इनकी बात में बड़ी जल्दी आ जाती हो। लेकिन हर माताओं को पता है अपना बच्चा कैसे, मैया को पता कन्हैया बड़ा दुष्ट है। इतने में श्री मैया कृष्ण कहते हैं, बोले मैया फिर आज कहा भयो तेरे को पतो है। बोले कहा भयो, बोले आज सारे सखा लोग हम खेल रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ते लड़ते मैंने सबको परास्त कर दी। जब सबके सब परास्त हो गए, ये सखाओं ने एक मीटिंग की, भैया हम तो कुश्ती में सबके सब परास्त हो गए, लेकिन आज कृष्ण को मार खिलाई और ये लोग जा करके तुम्हारे नाम मेरे नाम पर शिकायत कर दी। इतने में कृष्ण ने कहा माँ अगर मैंने मिट्टी खाई तो मुंह से तो मिट्टी खाई। बोले हाँ। बोले मेरे मुंह खोल कर देख ले, मुंह तेरे तो मिट्टी तो होगी ना। कृष्ण ये सोच रहे थे शायद मैया मेरे मुंह खोल करके देखेगी नहीं, लेकिन मैया थोड़ी छोड़ने वाली है। मैया तो एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने धमकी लगाई कृष्ण का मुंह झट खुल गया। जब खुल गया इतने में कृष्ण की मुखार विंद में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन किया और मैया खुद को खुद अंदर में देख रही थी। देख करके मैया तो डर गई, बोले भैया मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ, मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ। इतने में मैया सोच रही है हो ना हो कृष्ण भगवान तो नहीं। इतने में कृष्ण डर गए, बोले क्यों डर गए, अगर माता को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे नारायण के लिए मैया के घर बनाए और उनको एक लड्डू भोग लगा देती है, नहीं तो बातासा भोग लगा देती है और कहती है तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव और भोग लगा करके दरवाजा बंद कर देती। मेरे को अगर भगवान बोल करके पता होगा तो मेरे को भी घर में बंद कर देती। फिर सखाओं के साथ में जो खेलता हूँ कूदता हूँ ये तो बंद हो जाएगी मेरी। जब कृष्ण डर गए, इनकी जोग माया इच्छा शक्ति ने क्या की, सारे को सारे विश्व ब्रह्मांड का अंतर ध्यान कर दिया। अरे मैया ने देखा कुछ नहीं, वही छोटा सा कन्हैया का मुंह। देखो हमारे टीकाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बता दी,
ध्यान देकर सुनो, आप लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो खाए थे कि नहीं, खाए थे ना। लेकिन कृष्ण यहाँ पर झूठ कैसे बोले, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेगा भगवान झूठ बोले तो कोई दोष नहीं, अगर हम झूठ बोलना हमारी दोष है, दुनिया ही बोलेगा ना। तब श्री हमारे श्री बल्लभाचार्य एक बहुत बड़े संत हुए, वो कहते हैं भगवान को भी झूठ बोलते हैं, अगर भगवान झूठ बोलेंगे ना विश्व ब्रह्मांड झूठा हो जाएगा, विश्व ब्रह्मांड झूठा हो जाएगा। बोले कृष्ण अभी जो बोले, तो उन्होंने दो उदाहरण देकर बताए कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोलते हैं। कहते ये जो शब्द है, कहते ना अहम भक्सी तब आरम्भ हो, कहते ये शब्द को जब हम अलग करते हैं वो होता है ना अहम, मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई। लेकिन ये शब्द को जब अलग नहीं करके एक शब्द करते हैं वो होता है नाहम। नाहम का मतलब होता है ब्रह्मांड। बोले भैया तेरे को विश्वास नहीं हो रही है मैंने मिट्टी खाई, देख भैया ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, सारा दुनिया तो मेरे अंदर में बैठा हुआ है भैया। कहते ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कृष्ण ने ये ब्रह्मांड रूप दिखा करके बोले भैया मैंने खाया कब, ये दुनिया तो मेरे अंदर में विद्यमान है ना, देख भैया ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में, जब मेरे दुनिया मेरे अंदर में मैंने खाया कब। इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा भैया ये जो ब्रज रज है ना, मैंने अकेले नहीं खाई भैया, ये विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज रज के लिए तरसते हैं, देख भैया कितने ऋषि मुनि ग्रह नक्षत्र ये सब के सब ब्रज रज के लिए तरस रहे, देख भैया उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दी, मैंने ब्रज रज सबको मैंने प्रदान किए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार हाथ उठा, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी आप चले जाए, कथा कथा बोलना पड़ेगा। हाँ देखो आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, हमारे मंदिर के हमारे से भक्ति बाजार से मतलब शांत महाराज जी, इनका नाम ही गुरुदेव शांत महाराज जी, सचमुच से तो बहुत ही शांत है। अब देखने पर ही अब समझ रहे हो महाराज जी बड़े गंभीर है, बड़े शांत शिष्ट है, सबको जथा क्योंकि महाराज जी आदर देने वाले, सबको प्रेम करने वाले श्री महाराज जी, बहुत अच्छे नेचर के महाराज जी, बड़े अच्छे स्वभाव की है। इसलिए कहते भैया भागवत कथा का सार क्या है, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, जब द्वारका में विश्व शांति महायज्ञ हो रही थी, जब बीच में श्री नारद बाबा आए, भगवान ने सारे यज्ञ को बंद करवा दिया। बोले क्यों, बोले आज हमारी बीच में श्री नारद जी आ गए। जीवन में जब संतों का दर्शन हो जाए समझो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए श्री जब हनुमान जी के साथ में विभीषण की मुलाकात हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी को रे राम के सबसे प्यारे भक्त है, राम के सबसे प्यारे भक्त है, तो विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिल ही नहीं सकता, जो रघुबीर मई अनुग्रह किनी तो मई दरस ऐठे दिन। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, नहीं तो जीवन में संत दर्शन नहीं मिलता है। अगर जीवन में संत दर्शन मिल गया ना, देखो भगवान खुद कहते हैं बोले सिधीर भवती बात लेती संशय अच्युत से बिना, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति डायरेक्ट मेरी सेवा पूजा करते हैं भैया मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ वो मेरे को पाएगा, लेकिन जो मेरे भक्तों को पूजा करता है बोले नी संशय अत्र, बोले मुझे प्राप्ति करने का कोई संशय नहीं, वो 100% वो मेरे को
प्राप्त करेगा जो संतों की जो सेवा करते हैं। देखो अभी श्री बिभीषण ने हनुमान जी को बोले, देखो हनुमान मैं तेरे लिए एक काम करता हूँ, तो मेरे लिए एक काम कर देना। हनुमान जी बोले बताओ। बोले मेरे पास में माँ है और तेरे पास में बाप है। अब समझ रहे हो, विभीषण कहते हैं मेरे पास में माँ है, उनके पास में माँ कौन है सीता, और तेरे पास में बाप, बोले बाप कौन श्री रामचंद्र, तेरे पास में राम मेरे पास में माँ। जब तक पिता माता के मिलन नहीं होता तो पूरी नहीं होता है ना। बोले मैं एक काम करता हूँ, माँ को साथ में तेरे को मिला देता हूँ, और तेरा एक काम रहेगा बाप के साथ में मेरे को मिला देना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहले मेरे को मां से मिलन करा। बोले देखो जो सीता माता जी वो अशोक वाटिका में मैया सीता, क्या माता सीता जी से मिलो। तो हनुमान जी गए और अशोक वाटिका में माता सीता जी को साथ में मिले। विभीषण ने कहा देखो मैं अपना काम करा दिया, अभी तेरा काम बाकी रह गया, अब मेरे को बाप से मिला। जब विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, देखो हम पुलस्त वंश के वंशधर है, हमारा कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा कर लेना, ये हमारा धर्म नहीं, इसलिए जाओ मैया सीता को तुम वापस दे करके आओ। जो बोले ना, इतने में रावण ने विभीषण को लात मार करके वहां से भगा दिया, लात मार दिया। इतने में विभीषण प्रभु राम के शरण में आए, जब आए इतने में बंदर लोगों ने पूछा भैया तू है कौन, ध्यान से सुनो, बोले तू है कौन, बोले मैं रावण का छोटा भैया। जब सुने रावण का छोटे भैया, बोले भैया रावण तो राम के शत्रु, उसकी छोटे भैया, भैया राक्षसों को समझना बड़ा कठिन है, उन्होंने तो रस्सी में बांध करके उनको लेकर के राम के पास में आए। जब राम के पास में आए वहां पर श्री हनुमत लाल जी थे, वहां पर श्री हनुमत लाल जी थे। इतने में हनुमान जी को उन्होंने जब देखे, तब हनुमान जी बोले विभीषण ठीक ठाक हो, बोले बात एकदम मत करो। बोले क्यों, बोले मैं तुमको मैया को साथ में मिलाया था, और तेरा कर्तव्य था मेरे को पिताजी को साथ में मिलाना चाहिए था, लेकिन देखो तुम्हारी बंदर सैनिक मेरे कैसे बांध करके यहाँ पर लाए। हनुमान जी बोले ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया था, तुम अपना परिचय क्या दिया था। बोले मैंने परिचय दिया था मैं रावण का छोटा भैया हूं, बोले इसलिए तो बांध करके लाए थे। अगर तू ये परिचय देता मैं हनुमान जी का मैं मित्र हूं, हनुमान जी हाँ बंधु हूं, फिर तो तेरे को स्वागत करके यहाँ पर ले आते, लेकिन तू पहले ही भूल कर दिया। तात्पर्य यह है अगर हम अपना परिचय ये दे, हम संतों का संत, भक्तों का भक्तों का भक्तों का, दासों का अनुदास है, अगर ये परिचय देना फिर तो भगवान हमें अपने आप स्वीकार कर लेंगे, ये अपने आप स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमें क्या परिचय देनी चाहिए, भक्तों का सेवक का सेवक का सेवक परिचय देनी चाहिए। भगवान तब बड़े प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमें दर्शन देते हैं। इसलिए आज हमारी बहुत अच्छा दिन है, श्री महाराज जी आए, अभी आप लोगों को थोड़ा आशीर्वाद वचन देंगे, हमको कथा मिलता महाराज जी आपको पानी को निपन कराएंगे, श्री भक्ति वेदांत श्रील शास्त्र महाराज माइक दे दें। गुरवे गौरचंद्रा राधिका वही तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर कर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु जी महाराज की जय, सिंहदेव की जय, गिरिराज महाराज की जय, व्यासी महाराज की जय, भक्त वृंद
की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सबसे पहले मेरे गुरुदेव नित्र लीला प्रविष्ट परमारततम ओम विष्णु पाद अष्टतश भक्ति विदान वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्र लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टतश शत श्री भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज रूपानु गुरु वर्ग को श्री चरण कमल में अनंत करी सष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य व्यास जी भक्ति विदांत पूज्यवाद श्रीधर महाराज जी को चरण कमल में अनंत करी दंडवत प्रणाम। सभा में भागवत कथा में आए हे भक्त वृंद सभी के चरण में जथा जी को दंडवत प्रणाम। अभी पूज्यवाद महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ मेरे संत महात्मा को बहुत कुछ बोला है। बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन प्रयास कर रहा हूँ साधु संत बनने के लिए प्रयास कर रहा। और भागवत दो प्रकार के हैं, एक ग्रंथ भागवत एक भक्त भागवत। ग्रंथ के रूप में जो है वो ग्रंथ भागवत और जो व्यास जी वो भक्त भागवत। इन दोनों भागवत में की महिमा किसकी है बोलते हैं भक्त भागवत। कैसे? क्योंकि 33 करोड़ ध्यान से सुनना, 33 करोड़ देवता देव देवियों में सबसे बड़े सिंह कौन है? भगवान कृष्ण है। और उन कृष्ण भी राधा जी को मिलने के लिए राधा जी के चरण में भी झुकते हैं। ऐसे उनकी राधा की महिमा, इसलिए हमारे वृंदावन वाले हमारे महाराज जी आए हैं तो वहां पे कृष्ण का नाम नहीं चलता, किसका चलता है? राधा जी का चलती है। वहां पे राधे राधे नहीं बोलेंगे तो भाई गड़बड़ है। तो देखिए ये लीला में राधा जी की इतनी महिमा है, उनके आगे झुक जाते हैं भगवान। जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि की रचयिता है तो ये किसके कारण? बोलते हैं प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। स्मर वरण खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव, है ना? सच में अगर प्रेम देखना है तो देखिए वृंदावन। ऐसी ब्रजवासी की प्रेम, अभी महाराज जी कथा आगे बढ़ाएंगे सुनाएंगे आप लोगों को, जो इतना प्रेम है। देखो वहां पे मिट्टी खा रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, है ना? और क्या क्या लीला है आप सुनते जाओ सुनते जाओ, अनंत कथा है। बोलते हैं कथावाचक इसकी बोलते बोलते मतलब कितनी दिन समय कितनी मतलब फिर भी इनका सीमा नहीं। भगवान की इतनी गुण है तो वही भगवान फिर भागवत में क्या बता रहे, है ना? इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, एक हिंदी में भजन गाते हैं, है? राधा जी के मन में वैसे घन श्याम, वैसे घन श्याम, श्याम जी के मुरली में राधा जी का नाम, राधा जी का नाम। तो एक दूसरे से इतना प्यार है, उन दिव्य प्रेम हम कब अनुभव कर पाए? जब हम ऐसी गुरु वैष्णव का आश्रय करेंगे, है ना? और जब हम हरिनाम और मंत्रादि ग्रहण करेंगे तब तो जाकर के इस भक्ति की थोड़ा बहुत हमको न तो पता नहीं चले, न तो ऐसी बात लगेंगे वो चलो यही जगत के जैसा प्रेम है, है ना? संसार में जैसे प्रेम होता है पुरुष स्त्री में ऐसे ही प्रेम होगा? ना ना, ये तो काम है, है ना? अपनी स्वसुख इच्छा और वहां पे राधा कृष्ण का जो प्रेम है वहां पे स्वसुख इच्छा नहीं है। राधा जी मान भी कर रही है किसके लिए? कृष्ण को सुख प्रदान। तब शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास को विराज कह रहे हैं
आत्मनिर्भर प्रतिमान छा तारे वाले काम और कृष्ण ने प्रतिमान छा धरे प्रेरणा। ये देखो कितनी सुंदर बात बताते, जो कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं पूजा पाठ भागवत श्रवण अपने लिए, तो क्या है जगह अपनी इच्छा पूरी, चलो कोई भागवत सुनने चलो मेरे मकान बन जाए जो भी इच्छा कर रहे हैं, चल इच्छा पूरी हो गई तो भागवत कथा सुनना भी बंद, मंदिर में आए ठाकुर जी मेरी हैं ये पूरी इच्छा पूरी हो जाए बस नौकरी लग जाए। अच्छा नौकरी लग गई वो आंग मंदिर में आना बंद कर, इसलिए इसको ये भक्ति सकम वाली भक्ति। लेकिन भगवत जगत में ब्रजवासियों का प्रेम ऐसी भक्ति नहीं है, उनकी भक्ति क्या है कृष्ण को सुख देना। इस गिरिराज पूजन में भी ये कथा आएगी आप शायद हो गई हो, तो कहते हैं गिरिराज जी जब प्रकट हो गए तब बोलते हैं खुश होकर के बोलते हैं आप लोग क्या आशीर्वाद चाहिए, सारे ब्रजवासी एक दूसरे को देख रहे बोलते नहीं हम लोग कुछ नहीं चाहिए, बस ये नंद के लाला वो खुश रहे जीते रहे बस हम नहीं चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। वही भगवान श्रीमद भागवत में क्या बता रहे, मत भक्त पूजापधि का सर्वभूते सुमनमति, बोलते मेरी पूजा से भगवत जो मेरे भक्त है उनकी पूजा बड़ी है। देखो वही भगवान से भी बढ़ करके उनकी भक्त की पूजा बड़ी होता है, ऐसा क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जब तक हम साधु महात्मा का शरण में नहीं जाएंगे तो भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जानते। भगवान मूर्ति देखेंगे भगवान खड़े हैं बंसी बजा रहे या राम जी धनुष लेके खड़े भाई, इतना ही हमारा दर्शन है, लेकिन इसके आगे भगवान की महिमा क्या है, उनका गुण क्या है, उनका पसंद क्या है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, वही काम करना है। वो कौन सिखाएगा, वही गुरु वैष्णव सिखाएगा, तभी भगवान शास्त्र में बता रहे हैं प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम्, पहले गुरु की पूजा कीजिए उसके बाद भगवान की पूजा तुम्हारी लगेगी न तो नहीं लगेगी। बहुत बहुत जैसे रावण कुंभकर्ण बड़े बड़े शिव जी को भक्त ही अंतिम में क्या भगवान का हाथ मारा है, इसीलिए भक्ति किसको कहते हैं, साधनीति साधनति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन करते हैं वही साधु है, बाकी लोग साधु नहीं है, वो लोग धार्मिक कह सकते हो लेकिन साधु उनके लिए लागू है जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं। और यही आप लोग यहाँ बैठ करके है ना, हमारे नवीन प्रभु जो महावीर नगर में रहने वाले कितने कोशिश करके भागवत कथा का अधिवेशन करा रहे, ये कथा अनुमोल कथा है और विशेष करके गौड़िया मठ का जो शुद्ध भक्ति की धारा, यही भक्ति धारा जो पहले 5,500 साल पहले जो भगवान कृष्ण गोकुल में आए थे वही कृष्ण फिर 532 साल पहले बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के ये हरे कृष्ण महामंत्र करके सबको, ये जो जितना भी फैल रहा है ना देश में विदेश में उन्हीं का ही, तो इसलिए भाई इस कथा साधारण नहीं है, या चलो घर में काम करना पड़ेगा चलो कथा में बैठ जाएंगे प्रसाद भी तो मिल ही जाएगा, ऐसी शुद्ध कथा बाहर को नहीं मिलेगी। हमारे जितने भी गुरु गौड़ीय वैष्णव कथावाचक हैं सब आपके शास्त्र के विचार अनुसार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी इन विचारों को सुनो, ये कथा जो है ये बाहर नहीं मिली क्योंकि गोस्वामी लोगों ने को किसने सिखाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखाया। तो इस तरह से आप लोग बड़े भगवान हैं और भागवती हैं जो यहाँ पर बैठ करके कथा सुनने को मौका मिल रहा है, तो इसलिए इस कथा को श्रवण करते रहिए और भगवान की नाम की महिमा श्रवण करते रहिए, और पूरी दुनिया में सब चीज बड़ी
बात यह है उन बाबा ने ऐसा कर दिया, उन बाबा ने ऐसा कर दिया, लोगों के दिमाग में ऐसी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है सब ऐसे ही है ना। कैसे? एक ट्रेन में, ध्यान से सुनो, ट्रेन में एक पैंट और पैंट पहनने वाले और पैंट और कुर्ता जैकेट पहनने वाले, उन्होंने जेब काटा। अब इसका मतलब नहीं है कि जितने भी पैंट और जैकेट पहनने वाले सारी ऐसे जेब काटने वाले, तो जो ऐसे सोचते हैं वो मूर्ख बेकूफ है। उस तरह से ऐसे नहीं, अभी भी भगवान की इस जगत में जब तक धर्म आचरण नहीं होगा तब तक ये धरित्री भी महाप्रलय होती है। शास्त्र में बता रहे हैं, जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि च न तु कल्प सहस्रनि भक्ति न सकते। अगर 5 दिन विष्णु भक्ति करके इस संसार में जीते हैं तो सभी का कल्याण होता है, और बिना भक्ति का अधर्म आचरण करके अगर 6 साल भी जिए तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा पेड़ भी जीता है, जो बरगद पेड़ है ना वो भी बहुत लंबा टाइम जीते, तो क्या फायदा। इसलिए कृष्ण भक्ति क्या है उसके खोज में होना चाहिए। आज जो हमारे जनरेशन धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, मुझे याद है यहाँ आकर के समरानी, याद है ना, यहाँ ही वक्तृता दिया था, वो अमेरिका से है, और उन्होंने जितना भी अच्छा प्रिंटिंग हमारे गौड़ीय मठ में बनाया, श्री नारायण गोस्वामी महाराज की कृपा उनकी शिष्या है गुरु जी की, तो उन्होंने बहुत मेहनत करती है और भक्त है, भक्तानी है। उन्होंने खुद यहाँ बोला, इंग्लिश बोला कि बोल रही है, बोलते जो वेस्टर्न की कल्चर का और पीछे हमारे जनरेशन जा रहे, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खोखला है। क्या है? खोखला है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारी ये भारतीय कल्चर, जो भारतीय धर्म है, यही इसी धर्मों को भगवान यहाँ ही पैदा हो रहा है, यहाँ ही लीला कर रहे हैं, भारतवर्ष छोड़कर दूसरी जगह में नहीं जा। अगर जिसको भक्ति चाहिए, धर्म सीखना है, तो उनको आना होगा यहाँ। इसलिए आज देखिए ना, जितने भी गोरे लोग हैं फॉलो कर रहे हैं, और ये किसकी आदेश है? ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश, पृथ्वी ते जता छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई में मोर नाम, यानी गोली गोली में हर जगह में ये महाप्रभु का नाम, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को प्रचार होगा इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और जो इस हरि नाम को ग्रहण करेंगे और हरि नाम जाप करेंगे, उनका जीते जी वो मुक्त है। क्यों? भगवान गीता में बताया, जो मेरा नाम लेगा अंतिम समय में वो मुझे ही प्राप्त करेगा। आप बोलेंगे महाराज अंतिम समय में चलो मैं हरे कृष्ण बोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा बाबा। अंतिम समय में वही बात याद आएगी जो आप सारा जिंदगी किया, इसलिए अभी से क्या करो, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तभी बता रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, गुड प्रैक्टिस गुड पर्सन और बैड प्रैक्टिस बैड पर्सन। द प्रैक्टिस डिवोशन यू विल बी अ ग्रेट डेवोटी वन टाइम यू नाउ। इसलिए भक्ति प्रैक्टिस कीजिए, भक्त बनिए, है ना। इसका कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये श्रीमद भागवत गीता में भगवान ने बताया। अभ्यास न तो कंत अभिरक्त न चक्र, अभ्यास कीजिए अर्जुन, अभ्यास करिए। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे, हरिनाम कर रहे, करते करते देखो महात्मा बन गए। जो रत्नाकर जो रामायण लिखा वो तो पहले क्या डाकू थे, कितने लोगों से मारा काटा, क्या कोई हिसाब चल गया, और नारद जी का दर्शन होते ही उनका जिंदगी बदल गया। तो इसलिए भाई ऐसा कोई नहीं है कि भागवत कथा भगवान की कथा केवल पुण्यात्मा ही श्रवण कर, यहाँ से पापी तापी अपराधी गुंडे बदमाश जितने भी पापी क्यों ना हो, अगर भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान की इतनी दयालु है, बोलते मेरे नजर में आ जाए उसका मैं बड़ा पाप करूं, लेकिन वो जब मेरे नजर में नहीं आएगा तो उनके भरोसा मैं नहीं जाता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार व्यास जी के नाम से जय कर दीजिए, बोलो भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज की जय, भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज यहां तक।
और यहाँ तो आप जानते हैं पहले ही हरि कथा होती थी आता था ना। और अच्छी बात है महाराज जी कथा श्रवण कीजिए। महाराज जी वृंदावन से हैं और हमारे चाचा गुरु भी है और गुरु भाई भी दोनों ही है, तो बताइए कितना आनंद की बात है। मंचा खलवतरु हस्त कृपा सिंधु परिवच पतितानं पावन भो वैष्णव महाराज जी हम लोग ऊपर बड़ी कृपा किए और अपना मधुर वाणी से हम सबका स्नान करा दिया। आज हमारी बड़ी अच्छा दिन है, भागवत कथा की यही सारे संतों की दर्शन मिल जाए। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare I'm not afraid of the dark.
हमारे शुभ कृष्ण प्रभु जी बड़े सुंदर कथा सुनाते हैं, ये भी थोड़ी सी आप कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा, नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमद् भक्ति विधान नारायण गोस्वामी दीनामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं मधुरे मधुरे गुणशयुक्त वर्ण वर्ण्य पुरुष मानवन नारायण तम सरसानामी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपी का कान राधा का नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण सुती देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम पांचाकृपेश कृपा सिंधु ठाकुर की सर्वप्रथम मैं परम आराधित गोदेव जय निधिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टदशी श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज के चरण कवनों में नोटि करता हूँ। हमारे सबके परम पूज्य भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में नन कोटि धनवत सपा पुस्तक जो हमारे वैष्णव जो हमारे ब्रह्मचारी गणों के चरणों में मेरा अनंत कोटि धन्यवाद। और इस कथा के आयोजक पूज्य नवीन कृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा अनंत कोटि धन्यवाद। और सभा उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यदरण प्रणाम स्वीकार करो। बड़ा शुभ अवसर हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ। आप लोग उस परम जो भगवान की दिव्य जगत की लीला कथा को सुन रहे हैं, कितना आनंद का विषय है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि धर्म समनिष्ठित पुंसा विश्व प्रसिद्ध कथा ना उत्पादित यदि गति श्रम एवी केवलम। सब धर्म के सारे कार्य करने के बाद भी अगर भगवान की कथा लीला में हमारी रुचि जागृत नहीं होती है तो इसे एक श्रम समझा जाएगा। यानी कि जैसे आप नोट गिनते हैं या कह लो गड्ढा गरा गड्ढा भरा, कोई फायदा नहीं। पानी है, पानी में मदानी मानी तो उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। संसार की किसी भी वस्तु से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर हम भगवान की कथा सुनने में अपना मन को नियोजित कर देते हैं तो केवल एकमात्र यही हमारे कल्याण का विषय हो सकता है। क्योंकि सबसे पहली भक्ति क्या है? कानों से सुनना। और सुनना कैसे? मन लगा करके, ध्यान लगा करके। तो एक बार हमारी जैसे हम सनातन धर्म मंदिर है तो हमारे जनरली क्या हम बोलते हैं ना, जब मैंने कई बार सनातन धर्म मंदिर में सुना है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो है? और क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सब सुखी हो। अभिलाषा तो बहुत अच्छी है लेकिन हम सब लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। जैसे महाराज जी ने बताया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रह उदास है ना, सब दुखी हैं। घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, कप सेट है, सब सेट है, लेकिन आदमी अपसेट है। तो इतना आज के समाज में कलयुग का समाज है, कलह का समाज है, कलयुग का, कलपुर्जों का समाज है, मशीनों का युग चल रहा है, तो आदमी कैसे सुखी रह सकता है, कैसे आनंद रह सकता है? तो उसको बताने के लिए हमारे शास्त्र हैं। और उसको शास्त्र को हम समझ नहीं सकते तो उसको बताने के लिए कौन आते हैं? संत आते हैं। संत आकर के हमें इस चीज को बताते हैं। लेकिन वही भी पिछले महाराज जी बता गए थे कि संत भी कहते हैं ना, आजकल संतों में भी कई ऐसे हो गए हैं जो उस धर्म को ही एक दुकान की तरह यूज करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं गुरु बहो व संति शिष्य वित अपहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। कहते हैं कि दुर्लभ सदगुरु देवी कि वैसे संत तो बहुत हैं जो शिष्य का धन हर लेंगे, शिष्य का धन हर लेंगे, लेकिन बहुत दुर्लभ होते हैं जो शिष्य का संताप लेते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे संत का पास जाना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कितना मनुष्य जन्म दुर्लभ है। एक बार एक राजा संतों की बहुत सेवा करते हैं लेकिन उनका भाई वो संतों की कोई सेवा नहीं करता था, उल्टा संतों को गाली देता था। कहता ये मेरे भाई का धन हर लेते हैं और उनका धन हर लेते हैं तो ये करते तो कुछ नहीं है, बस घूमते रहते हैं और उनका धन हर लेते हैं।
और राजा संतों के प्रति बड़ा प्रेम करता था और उनसे कथा सुनता था और दूसरे उसके भाई का कोई उससे प्रयोजन नहीं था, वो उनको कोई भी सम्मान नहीं देता था। तो एक दिन राजा को मालूम चला कि मेरा भाई संतों का विरोधी है, अब उसको कुछ सिखाने के लिए समझाने के लिए उन्हें क्या कार्य किया, एक बार एक मंत्री को बुलाया, कहते मंत्री इधर आओ, तुम एक काम करना कि मेरे भाई को मेरी कुर्सी में बैठा देना, बाकी मैं देख लूंगा। अब उसका मंत्री ने उनके भाई को बुलाया, कहते सर सुनो कि जो तुम्हारा राजा जो भाई है वो इस कुर्सी के लायक नहीं है, असल में तुम इस कुर्सी के लायक हो, वो संतों को खिलाता पिलाता रहता है, उनको धन देता है अपना, तुम एक काम करो तुम इस कुर्सी में बैठो। तो भाई मंत्री की बात में आ जाता है, उस कुर्सी में बैठ जाता है और जैसे ही बैठता है वैसे ही राजा उस समय आता है और चिल्लाने लगता है, भैया तुम मेरी कुर्सी पे क्यों बैठे, तुम्हें मालूम नहीं है राजा की कुर्सी है, अगर राजा की कोई कुर्सी में बैठेगा तो यानी कि उसकी हृदय में इच्छा है राजा बनने की, इसका अर्थ तो ये हुआ तुम मुझे मार के भी राजा बन सकते थे, हैं? तो यानी कि तुम मुझे मारना चाहते थे। कहते नहीं भैया ये तो मुझे मंत्री ने कहा कुर्सी में बैठने के लिए तो मैं बैठ गया। कहते नहीं 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 नहीं, अगर मंत्री कुछ भी कहेगा तुम सब बातें मान लोगे, तो ये बात तुमने गलत किया, तुमने मेरी कुर्सी में बैठे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, सजा दूंगा। क्या सजा दोगे, तुम्हें प्राण दंड दूंगा, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कहते भैया माफ कर दो, माफ तो नहीं करूंगा प्राण दंड तो लूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करता हूं कि तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूं कि 7 दिन के अंदर जितना भी कुर्सी में बैठो राजा बनो और कितना इंजॉय करना है, जितनी जिंदगी को इंजॉय करना करो, जो तुम्हें जो तुम्हारा शौक है ना आखेट करने का, नाच देखने का, मांस खाने का, जो करना है करो, लेकिन 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब बस ये बोल के राजा तो चला जाता है। अब राजा के पास वो कुर्सी में बैठता है उसका भाई जिसकी 7 दिन में मृत्यु बाद मृत्यु निश्चित है, तो मंत्री उसके कान में बोलता है, अरे देखो कितना आनंद का विषय, तुम 7 दिन के राजा बन गए, लोग तो एक ही दिन राजा बनने के लिए तरसते हैं, तुम 7 दिन के राजा बन गए। वो मन से अंदर से थोड़ा सा बड़ा वो होता है परेशान। इधर से मंत्री ताली बजाता है, बहुत सारी नृत्यांगनाएं आ जाती है, नाचना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन जो राजा बने होते हैं उनको कहते हैं मंत्री चलो आखेट पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, ले जाता है उनको। फिर तीसरे दिन और शराब और पता नहीं कितना कुछ करता है उनके लिए, आमोद प्रमोद के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो बैठा रहता है सब कुछ करता है जैसे जैसे। 7वें दिन के बाद राजा जो असली राजा है वापस आता है और आते ही भाई से पूछता है मरने के लिए तैयार हो, कहते भैया मुझे माफ कर दो मेरे से गलती हो गई थी मुझे माफ कर दो। कहते नहीं नहीं अच्छा, कहते अच्छा चलो एक बात बताओ कि तुम एक बात बताओ कि तुमने कितना आनंद लिया, कितना आनंद लिया, खूब तुम्हें तो शराब पीने का शौक था, तुम्हें मांस खाने का शौक था, तुम्हें नाच देखने का शौक था, तुम्हें यहां घूमने फिरने का शौक था, क्या तुमने किया। कहते महाराज मैं सच बात बताऊं, मैं जितने दिन 7 दिन रहा मैं 7वें दिन की चिंता कर रहा था कि जब तुम मुझे आओगे मेरी फांसी पे मुझे लटकाओगे, मैं 7 दिन कुछ भी इंजॉय नहीं किया, मैं 7वें दिन की चिंता कर रहा था। कहते राजा जो भाई होता है उसका राजा कहता है मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, ये संत लोग ये साधु लोग ये जगह जगह घूमते हैं, ये जगह जगह घूमते हैं यही बताने के लिए, लब्धवा सुदुर्लभ विधान संभव बनते। कहते मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ से मिला है, तथापि अध्रुव मधातम, लेकिन इस जीवन का एक अर्थ है उसे प्राप्त करना है। तो साधु क्या बताते हैं, लेकिन देखो वही वाली बात है ना कि साधु को साधु असली होने चाहिए जो भगवान की भक्ति में लगे और भक्ति लगा सके। वैसे तो रावण भी आया था साधु का वेश लेके, क्या किया था उसने, सीता को चुराया था। वही साधु जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में तो बीच में एक साधु का वेश बना के आ गए थे। वेश बनाना एक अलग होता है लेकिन साधु की पहचान उसके संतत्व से है, मतलब कितनी भक्ति करते हैं कितनी परिमाण करते हैं। साधु क्या करता है आपके हृदय को लेता है और भगवान को साफ करके भगवान के चरणों में लगाता है, वो साधु है। तो इस तरह से इसलिए कह रहे कि गुरु बहवो संति, ऐसे बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे लेकिन जो संताप को हरने वाले ऐसे सदगुरु बहुत दुर्लभ हैं। तो
तो हमारे लिए ऐसा बड़ा सुंदर गर्व है कि जो हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए। तो गुरु जो साधु हमें दो बताता है, कहते हैं देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ये जो हम जिस जगत में जी रहे हैं इसे कहते हैं जड़ जगत। जड़ जगत की हर चीज नाशवान है, एक ना एक दिन इसका नाश होगा। जिससे भी प्रेम कर लो उसका नाश होगा, या तो वो आपको छोड़ देगी या आप उसे छोड़ दोगे। चाहे आप शरीर से भी कर लो प्रेम, तो या शरीर आपको छोड़ देगा या आप शरीर से छोड़ दोगे। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आप छोड़ के जा रहे हो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है मतलब आप बूढ़े हो गए तो यानी शरीर ने आपको छोड़ दिया। तो कोई भी चीज यहां जुड़कर नहीं रह सकती, यहां की हर वस्तु नाशवान है। और यहां का समाज कैसा है कि तूने मेरे लिए क्या किया, मतलब तुमने मेरे लिए क्या किया, यानी कि सेल्फ सेंट्रिक समाज है। यहां पर अपने लिए है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन इसे इस समाज इस संसार को क्या कहा गया, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में दुख रहते हैं, और दुख कौन से, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, ना ये सारे दुख हैं। और कौन कौन से, आदि देवी, सर्दी गर्मी, बुखार, भूचाल, आंधी तूफान, ये तरह तरह के हैं। कोई पड़ोसी तंग करता है, मतलब दुखों से भरा पड़ा है, क्योंकि हम लोग कर्म योनि में बंधे हुए हैं। अपने जैसे जैसे हमने कर्म किए वैसे वैसे हमें उसकी सजा मिल रही है। हमने बुरे कर्म किए बुरी सजा, अच्छे कर्म किए अच्छी सजा, अच्छा मिलेगा लेकिन आना तो पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जैसे गीता में अर्जुन को बोलते हैं त्रिगुण विषय वेद निष्क्रिय गुण बनेगा, इन तीन गुणों से ऊपर उठ करके क्या हो जाओ कि निर्गुण में स्थित हो जाओ। निर्गुण मतलब कि भगवान की भक्ति जो इन गुणों से भी अतीत है उसकी भक्ति में स्थित होने के लिए कहा। तो ये बताया ये जगत क्या है, ये जगत दुखालय है, ये जगत सेल्फ सेंट्रिक समाज है। लेकिन एक जगत ऐसा है जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं न तत् भासते सूर्यो न शशांक न पाऊंगा यद गत्वा न निर्वर्तते तदम परमम। जहां पर सूर्य चांद ये मतलब उनसे नहीं है, रोशनी से नहीं, मेरी प्रकाश से होता है, वहां पर दुख नहीं है, वो वैकुंठ है। मतलब जहां कुंठा नहीं है वहां पर क्या कार्य करते हैं सब जीवात्माएं, वो क्या करती है भगवान की सेवा करती है। कैसी सेवा करती है कि हर रूप में उनका एक ही करता है, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कैसे हम भगवान की सेवा कर सके, वहां पर दुख तकलीफ नहीं है। तो हमारे जो संत हैं साधु लोग जो हमारे महाराज लोग वो इसी संदेश को लेकर के जगह जगह जाते हैं और यही संदेश प्राप्त करते हैं कि तुम ये जानो तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, तुम शरीर नहीं हो। सुबह होती है शाम होती है, उम्र तमाम होती है, सुबह शाम में क्या होता है एक एक दिन करके हमारा कटता चला जा रहा है, लेकिन हम अपनी वस्तु को उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवते यावदा जीवस्य तत्व जिज्ञासा न चाहे कर्म भी। शास्त्र कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कामनाओं की तृप्ति के लिए शरीर नहीं मिला। कामनाएं इतनी होती हैं कि एक कामने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे कामनाओं को बढ़ती चली जाती है। कभी भी एक कामना पूर्ण होने पर दूसरी कामना का उदय हो जाता है, दूसरी पूरी होती है, तीसरा तीसरी, ऐसे कभी खत्म नहीं होती। तो शास्त्र कहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति के लिए शरीर नहीं मिला। जीव किस लिए शरीर मिला है, जीव से तत्व जिज्ञासा, ये जानने के लिए कि मैं किस लिए आया हूं संसार में, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। और वो कौन बताएंगे, हमारे शास्त्र। और शास्त्र को सही तरह से कौन बताता है, साधु बताता है। तो साधु हमें यहां से ले जाकर के वहां बताता है। केवल यह नहीं बताएगा कि जीवन ये जीवन अनमोल है, केवल ये नहीं बताएगा शरीर नहीं आत्मा है, ये बताएगा कि किस मार्ग पे चल करके और किस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, और उसके बदले वो कुछ नहीं चाहता। स्वयं महाराज थे, हमारे गुरुदेव विदेश में गए, तो विदेश में संत जाते हैं तो सोचते हैं विदेश अमेरिकन या जो भी सोचते हैं कि इस दुनिया में ये साधु लोग आए कुछ लेने के लिए आए। तो उन्होंने कहा मैं लेने कुछ नहीं आया हूं, मैं देने के लिए आया हूँ। हमारे गुरुदेव क्या विदेश में गए, कहते हैं मैं लेने कुछ नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। क्यों, क्योंकि हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है मूल चीज है, तुम हमें तो लूट के ले गए यहाँ से बहुत कुछ सोना चांदी चांदी, लेकिन जो असली चीज है हमारी संस्कृति, जो हमारे शास्त्र सिद्धांत, शास्त्र के जो मूल सिद्धांत, वो देने के लिए हम आए हैं। तो साधु क्या करेगा, उन चीजों को देगा और परम उद्देश्य की तरफ लेके जाएगा। और क्या देगा, सबसे अनमोल वस्तु क्या चीज है इस समय, हरि नाम, भगवान का नाम। तो इसलिए जीवन में हमें दो तीन चीजें जीवन में धारण कर लें, क्योंकि भगवान गीता में एक जगह बोलते हैं स्वल्पमसि धर्मस्य नेहा विक्रमो नास्तो अस्ति पतिवायु न विदते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायतो महतो व्याप।
कहते हैं भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे मार्ग पे चलता है, जो मेरे मार्ग पे चलता है, प्रतिपायन अगदते, मतलब उसका उल्टा नहीं होता। अगर कोई जीवन में बिजनेस करता है तो हानि के साथ लाभ के साथ हानि का भय बना रहता है कि मेरा पूरा बिजनेस ना डूब जाए, लेकिन कहते हैं मेरे मार्ग पे जो चलता है उसका कोई नुकसान नहीं। स्वल्पमसि धर्मस्य, अगर थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करता है, थोड़ा सा भी, त्रायतो महतो भया, यानी महान भय से रक्षा कर रहता है। महान भय से रक्षा क्या होती है कि नरक में जाने का भय है, मनुष्य के जन्म से नीचे के नगर है, और अपने मार्ग से ऊपर उठता ही चला जाता है, ऊपर उठता है। जब तक उस प्रेम के स्तर पे, भगवान के प्रेम के स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक भगवान उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं, ऐसी चीजें प्रदान करते हैं कि वो कर्म से बढ़ते 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 भगवान की सेवा में चला जाता है। इसलिए जीवे रहे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, जीव का हमारा स्वरूप क्या है कि हम भगवान के दास हैं, है ना, भगवान के दास है। गीता में कहते हैं ममे मांसो जीव लोके, जीव किसका अंश है, भगवान का अंश है, और भगवान का अंश है तो क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा। तो इसलिए भक्ति दुर्लभ नहीं है, भक्ति बड़ी सुलभ है और आसान भी है। क्या करना है, भगवान का नाम जाप करना है, है ना, भगवान का नाम जाप करना है। दूसरा क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है बिना प्यार दर्शन के। और क्या करना है, एक सबसे ऊंची चीज क्या करनी है, भगवान की एक फास्ट है, एकादशी का फास्ट, उसको अपने जीवन में धारण करना है। ये दो तीन चीजें करने से और संतों के संग करने से, वृंदावन जाने से, अगर भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने से अगर उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है तो बहुत बहुत ही आसान मार्ग है ये चलने का, कोई इतना दुर्लभ नहीं है। केवल अपने मन को देना है, अन्यथा क्या होगा, पुनरिति जन्म पुनरिति मरणम पुनरिति जननी दशरथ शरणम, है ना, कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार 84 लाखों में भटकना पड़ेगा। आज मिल गया जन्म, अगले कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक संत ने पूछा कि आदमी की उम्र कितनी बड़ी, एक संत ने पूछा अपने शिष्यों से कि आदमी की उम्र कितनी बड़ी, तो उन्होंने कहा कि महाराज आज है कल का भरोसा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है तुमने तो बड़ी उम्र बता दी, कहते महाराज, दूसरे शिष्य से बता तुम बताओ, कहते महाराज इस पल में जी रहे हैं अगले पल का भरोसा नहीं, कहते तुमने भी थोड़ी बड़ी बता दी, तो कहते महाराज आप ही बता दो, कहते जो अंदर सांस आ रही है वो बाहर भी जाएगी नहीं जाएगी इसका भी भरोसा नहीं, है ना। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब एक रेलगाड़ी चल रही थी अमृतसर में और दशहरा ग्राउंड में देख रहे थे रावण जल रहा था, तो एकदम आई रेलगाड़ी कितने लोगों को मार के ले गई, कितने लोगों को, तो क्षण में भरोसा नहीं। तो इसलिए गीता में कहते ना, यम ये माफी स्मरते तेजंते कलेवरम तम तो वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, जो जो जिस भाव में हमेशा रहेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, है ना। तो अगर हम हमेशा भगवान में भावित रहेंगे, उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, संबंध जैसे पांच प्रकार के संबंध होते हैं हमारे घर में, पिता का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, मदर का संबंध, ऐसे सखा का संबंध, ऐसे जो संबंध के साथ हम प्रेम स्थापित करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उनको भोग लगाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो ऐसे करते 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 क्या होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ते बढ़ते हमारा उनके साथ अनुराग होगा। तो इसलिए दो तीन चीजें हम हमारे प्रभु जी नवीन प्रभु जी जो पालकी लेकर के जाते हैं जगह जगह, तो ये दो तीन चीजों पर विशेष रूप से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि एक तो हरि नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए, जो रोज माला जाप कर रहे हैं उसका अर्थ ही है कि आज तो प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, लेकिन ये नहीं कि यही करें, हम घर में जाकर भी उस माला को अपने जीवन में करें। और दूसरा क्या करें, भगवान को भोग लगाएं, है ना। तीसरा क्या करें एकादशी का फास्ट रखें, और भक्ति के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन शुरुआत इनसे करते करते आगे बढ़े और महाराज जी को कथा का श्रवण करने का अच्छी तरह से श्रवण करें, और श्रवण करके उसको मनन करें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ताई गोर प्रेमानंद है, नवीन प्रभु जी कहाँ हैं, नहीं कहाँ सर, नवीन प्रभु जी नहीं है, कहाँ गए, बलस वृंदावन बिहारी लाल बलस गिरिराज बाबा की। हम लोग दो तीन दिन हम लोग ने हरिनाम किया था, आज भी एक हरिनाम करेंगे। नवीन प्रभु इच्छा थी थोड़ी समय के लिए हम यहाँ पर हरि कीर्तन करें, हैं ये मोहल्ले में कहाँ प्रताप है, महावीर नगर में पता नहीं कहाँ पर नवीन प्रभु दिख दे रहे, इसलिए हम दो तीन दिन तक एक माला जप किए, इसलिए आज भी एक माला जप करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हरि नाम का जो सार है ये भगवान का नाम ही है, भागवत कथा की यही सार है। इसलिए ये जब भागवत प्रारंभ हुई, जब ये भागवत प्रारंभ हुई प्रभु का नाम से, लेकिन जब ये भागवत समाप्त हुई ठाकुर जी की नाम से। इसलिए आरंभ भी ठाकुर का नाम और समाप्त भी ठाकुर का नाम, और यही जीवन का ही सार ही ठाकुर जी का नाम। इसलिए मैं हर जगह में एक सुंदर स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ पर भी वो स्टोरी को सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुना, ये स्टोरी को ध्यान देकर सुना, समझो यही भागवत का यही सार है। और अच्छे तरह से सुनो ये कथा, स्टोरी सुनाने का बाद मैं किसी को पूछ भी सकता हूँ, और जो बोल देगा ना उसको इनाम दूंगा, और जो बोल नहीं पाएगा उसको बीच में खड़े कर दूंगा। इसलिए सुनो, जैसे ये स्टोरी सुन करके मेरे को आप सुना सकते हो, ठीक है? बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हरे कृष्णा। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? चार। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को देख देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी रानी थी, बोले चार रानियों में वो देखने में सबसे सुंदर थी। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था, ये रानी को सुंदर कपड़ा लता पहना करके उसको रथ में बैठा लेता था और ये दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी कितने सुंदरी है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, ये बड़ी बात को बना बना करके, मीठी मीठी बात को बना बना करके बोलती थी। इसलिए राजा जब अपना महल में आता था, ये तीसरी नंबर रानी को पास में बैठ करके उसका जो मीठा मीठा बोली सुनता था वो बड़ा खुश होता था। लेकिन ये मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को ये बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन जब से उसने शादी करके लाए तब से वो रानी को साथ में उसने कोई भी मतलब नहीं रखा। कभी उससे पूछा नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, एकदम जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके रखा। बोलिए किसी काम की नहीं। अभी राजा की अंतिम समय आया मरने का, सोचा मेरे चार चार रानियां, इनसे प्रश्न करता हूं कौन कहां तक मेरी साथ देती है। सर्वप्रथम सबसे बड़ी रानी से पूछा, बोलो तो बड़ी रानी कौन थी? सारी। बोलो कौन? बोले हाथ उठा। अच्छा, अभी इतना जल्दी हमने बोला, आपने भूल गए। बड़ी रानी कौन थी? जिसे अच्छा अच्छा पहनाता था। अच्छा, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था। फिर अभी कथा को याद कैसे रखोगे, इतनी जल्दी भूल गए। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था और अपना मन पसंद चीज को देख देकर उसको खुश रखता था, सबसे बड़ी रानी से पूछा तू मेरे साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली थी। बोले तेरे साथ में कदम भी मैं चलने वाले नहीं। बोले क्यों? तेरे लिए जो मैं इतना किया हूँ, जो मांगती थी वही ला कर देता था। बोले तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला, ये कैसे रानी है। अभी राजा दूसरी रानी से प्रश्न की, दूसरी रानी कौन थी? गहने। दूसरी रानी कौन थी? सबसे जो सुंदरी थी। राजा जिसको सुंदर सुंदर गहना पहना करके पूरा दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी, उससे पूछा साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूं तू कब मरोगे और मैं दूसरे से शादी करने वाली हूँ, मैं दूसरे से शादी करने वाली हूँ। राजा देखा भैया उसे तो दो उंगली ऊपर निकली, ये देख रही है मैं कब मरूंगी और ये कहता है दूसरे से ये शादी करेगा। अभी उन्हें तीसरी रानी से पूछे, तीसरी रानी कौन थी? जो मीठा मीठा बोलता था। बोले रानी तू क्या करोगी, तू चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले हाँ चलूंगी, लेकिन एक दरवाजा तक चल सकती हूँ। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है? बोले अगर ज्यादा बोलोगे ना, चार ही कदम तो आगे बढ़ूंगी लेकिन साथ में नहीं चल सकती हूँ। बोले भैया तुम भी किसी काम के नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है। अभी चौथी रानी से पूछा, चौथी रानी कौन थी? बोला जिसको जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी जिंदगी में कुछ पूछा नहीं, सबसे जीवन में नेगलेक्ट करके रखा। जब उसको पूछा तुम साथ में चलोगी,
लेकिन वही राजी होती है, बोले राजा तेरे को दिल से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, कभी तुमने ये भी नहीं पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी तुमने ये बात भी पूछा नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ किया किया मेरे प्रति, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, भैया जिसके लिए जिंदगी किया हो तो जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया वही हमारे साथ में जाने के लिए तैयार ही होते हैं। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, कभी जो पूरी भागवत कथा हम सुन रहे हैं, अगर इतनी सी बात को अगर हम अपना दिमाग में बैठा ले समझ जाए, समझना पूरी कथा सुनने का फल मिले, अगर इतनी सी बात अगर हम नहीं समझे ना, समझो केवल आए और चले गए, हमें मिला ही नहीं कुछ। अभी ध्यान देकर सुनो, कहते सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में सबसे जिसको ज्यादा प्रेम करते हैं और जिस समय में जो चीज मांग करती है, भले ही हमें झूठ बेईमानी इधर उधर क्यों करना नहीं पड़ेगा, उसको हम इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा वो हमारे साथ में एक कदम भी चलेगी नहीं। कहते ये कौन है जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बोलो किसको प्रेम करते हो? कहते हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हैं? शास्त्र में तो बताया ये जगत में प्रेम नहीं है, ये जगत में केवल स्वार्थ है, जो थोड़ी बहुत हमें दिख रहा है ना प्रेम, चूंकि वहां से कुछ मिल रहा है इसलिए ये प्रेम दिख रहा है, और मिलना बंद कर दो उसी समय प्रेम बंद। अब देखना जिंदगी भर किसकी सेवा करो, जिंदगी भर, लेकिन बीच में कोई त्रुटि विचित्र हो गई ना, थोड़ी सी कमी, वो झट बोलेगा तुम हमारे लिए क्या किया, वो सोचेगा ना जिंदगी भर तुमने पढ़ाया लिखाया, गर्भ में धारण की, मुंह से खाना निकाल करके मेरे को तुमने खिलाई, गिल्ली में सो करके तुमने मुझे सूखे में सुलाई, इतने पैसा दे करके हमको लिखाया पढ़ाया, वो नहीं देखता है, थोड़ी सी त्रुटि विचित्र हो गया ना झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया। हाँ कभी कभी अपना पत्नी को लेकर ही अलग हो जाए, पिता माता को अलग कर दे, इसलिए ये जगत बड़ा स्वार्थ का जगत है। प्रश्न है फिर हम दुनिया में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? कहते अपने ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर जिस समय जो चीज की मांग करती है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे, बोले चलो सजा कर लिया, बोले चबन प्रास खाओगे, बोले खुला कर लिया, बोले गोलगप्पे खाओगे, बोले चलो, बोले वहां पर पराठा बहुत बढ़िया बनता है, बोले चलो पराठा खिला कर लेके आए। देखना ये शरीर हमें जिस समय में जिस चीज की मांग करती है हम वो चीज की पूरी करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आए ये शरीर को पूछे भैया साथ में चलोगी, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, शरीर से जब ये परमात्मा चले जाए, इस शरीर को हम इतने खिलाया पिलाया उसको जतन किया, वो शरीर जहाँ के तहाँ वही पड़ी रह जाती है, एक कदम भी साथ में नहीं चलती। बोले दूसरी पत्नी जो सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, जब उससे पूछा साथ में चलोगी, कहते सबसे सुंदरी कौन है, कहते बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये पैसा सबसे सुंदरी है, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं, ये पैसा सबसे सुंदर है, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया मकान दुकान बनाएंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, हैं? आपको पता होगा पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट होता है, पूछो पैसा को भैया पैसा तेरे को कमाने के लिए हमने इतना कष्ट किया साथ में चलोगी, वो क्या बोलेगा मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगा, मतलब क्या, मतलब बच्चों का पहला उनका नजर कहाँ रहता है, पिताजी कितने दुकान मकान प्रॉपर्टी कहाँ पर, उनको नजर वहीं पर रहता है, हैं? और शरीर छूटते ही हमारे गांव में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, हमारे गांव में अपने हमारे गांव में कथा सुना, सबसे बड़ा धनी था, इतने प्रॉपर्टी इतने धन दौलत थी, जब वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा उसको शरीर को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, एक बेटा आ रहा था, क्यों, भले बूढ़ा ने उसको ज्यादा पैसा दिया हमें कम पैसा दिया है प्रॉपर्टी में, इसलिए उसको शरीर उठाने, इतने बुरी तरह से गाँव का सबसे धनी था, उसका जो अंतिम क्रिया इतने बुरे तरह से किए जो सोच नहीं सकते,
सोच नहीं सकते हो। और कुछ भैया लोग बोले खबरदार सैनिक उठा नहीं सकते, डंडा लेकर खड़ा हो गया। पहले ये सारी संपत्ति पहले बंटवारा हो उसको बाद में लाश उठे। भाई भाई भी लड़ रहे थे, पिताजी शरीर छोड़े तो इसलिए कहते ये शरीर छोड़ते ही पैसा दूसरे को साथ में कहते मैं शादी कर लूंगी। मतलब क्या है, ये दूसरे को पास में चली जाएगी, जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा। इसलिए कहते मैं दूसरे को पास में मैं चली जाऊंगी। अभी तीसरे रानी कहते जिसके मीठी मीठी बोली सुनता था, बोले तू क्या करोगी, चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन एक दरवाजा तक चल सकती हूँ। बोले आगे नहीं चल सकती। कहती ये कौन है? बोले परिवार में पत्नी का नंबर आए, पत्नी से पूछे चलोगी साथ में? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे नहीं चल सकती। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थी सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते शमशान तक ले जाएंगे। बोले आगे और नहीं जा सकते, वहीं से जला करके टाटा करते करते वापस आ जाएंगे। देखो अंतिम स्त्री को देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजा जिसको जीवन में कभी भी उसको पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, जीवन में सबसे उसको नेग्लेक्ट किया, लेकिन राजा जब उससे पूछा साथ में चलोगी, वो ही केवल जाने के लिए तैयारी होती है। कहती ये कौन है? बोलो कि कौन है? कहते भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। अगर किसको बोलो भैया एक माला जप कर, बोले पेट भरेगा? बोले जिसका कोई काम धाम नहीं ना वही सब लेकर हरिनाम माला पला वही सब करते हैं। हमारे हमें तो देखने के लिए टीवी, देखने के लिए पेपर, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए हमारे हैं हमारे बहुत टाइम है। ये सब हरिनाम हरिनाम से हमारा कोई मतलब नहीं। वो जिसका काम धाम नहीं वही सब माला करते हैं, उसको प्रति एकदम नजर नहीं देते हैं, हैं? लेकिन जब अंतिम समय आता है, अंतिम समय आता है, देखना जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गद्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने तुमने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है। और तुमने जो कुछ जीवन में किए सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ अभी नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है बोले भैया लास्ट में तुम्हें क्या मिला है? बोले राम रतन धन पायो। बोले वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले भैया ये धन कैसे? बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सबा। ये ऐसे के धन है ना जिसको चोर नहीं ले सकता है, जो लुटने वाले नहीं, जो फूटने वाले नहीं, वो ऐसे के धन है जो केवल बढ़ने वाले हैं, ये कभी घटने वाले नहीं, ये धन केवल बढ़ने वाली है। हाँ हरे कृष्णा। इसलिए हम रोज हम सुनते थे श्री चैतन्य महाप्रभु है, जब महाप्रभु को निमंत्रण दिए, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। महाप्रभु क्या बोले? बोले देखो मैं सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में हम खाना खाते हैं। उसी समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर। बोले प्रभु हम तो कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकते, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं है। मतलब 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा। कल हमारे घर में फिर भोजन ही नहीं करोगे? फिर महाप्रभु ने क्या बताया? बोले देखो असली लखपति कौन है? जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा गाती है बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के तेरे मोती ले बिखराओ गली गली ले लो रे कोई राम का जिमी जिमी मैं यहाँ पहुँची छोड़ दे वही सब माला मालू
जानते हो ये मीरा की भजन है। मीरा गाती है भाई भैया सबसे अनमोल धन किया प्रभु का नाम है। बोले जिन जिनियों ने ये मोती लूटे सो माला माल हुए। बोले कौन कौन लूटे? बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। देखो जिनका नाम जगत में अमर हो गया, जिनका घर घर में जिनकी पूजा हो रही है, घर घर में जिनकी पूजा। और माया के जो बने पुजारी अगर केवल दुनिया की पैसा कमाते कमाते शरीर छूट गया, बोले आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए आप लोग बताओ तो ये चार रानियों में सबसे कौन सा रानी को ज्यादा प्रेम करते? आप लोग बताओ, बोलो वो कौन सा नंबर रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करते? कौन सा नंबर? अरे आप लोग सब विद्वान लोग, सब पंडित लोग, सब समझ गए। हाँ देखो, इसलिए आप पहले मैंने बताया ना, महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाएंगे। पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, वो पहले आता था करोड़पति कौन बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा। भगवान कहते लखपति कौन बनेगा, आप मेरे तरफ में देख लो, आप लखपति कैसे बनोगे? देखो ये माला है, आप कैसे ये लखपति बनोगे? ये माला को जैसे देखो अच्छे तरह से सीख लो, कहते ये सुमेरु है, हाँ ये सुमेरु है, इसको दूसरे तरफ में रख करके ये बीच वाला अंगुल में ये माला रखनी चाहिए। और ये जो अंगुल को हम इसमें स्पर्श नहीं कराते हैं, क्योंकि ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है, हम तुम्हें देख लेंगे, ये सबसे पहले निकलता है, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं। और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रख करके जैसे हरे कृष्ण सबके सब मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें फिर दो मोती सरकाते हैं। देखो एक लाख कैसे होता है, ये चीज को समझो, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक बार ये महामंत्र बोला 16 बार हो गया, ठाकुर का नाम इसमें 16 नाम है, इसमें 108 मोती है। अगर ये माला करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए, अच्छे तरह से सीख लो, ये अंगुल को उसमें पार नहीं करानी चाहिए। बोले क्यों? बोले ये जो बीच में ये सुमेर भी राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये जो एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, ये बीच में राधा कृष्ण पर रख करके ये रास कर रहे हैं, ये माला नहीं, ये माला रूप में भगवान रास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ करके उसको पार नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले ये राधा कृष्ण का स्वरूप, राधा कृष्ण को लंघन नहीं करनी चाहिए, उनको पार नहीं करनी चाहिए, फिर ऐसे घुमा देनी चाहिए, फिर दूसरे तरफ से फिर उसको जप करनी चाहिए। अगर हमने 16 माला अगर जप कर लिया, 16 माला हिसाब से हो जाता है 25,000। अगर हमने 64 माला जप कर ली हो जाता है 1,00,000, कि भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। बल आज तुमने 1,00,000 नाम नहीं जप किए, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया, ये भगवान खुद कहते हैं। बोले भैया अगर फिक्स डिपोजिट करोगे ब्याज तो कुछ मिलनी चाहिए। बोले ब्याज कितना मिलेगी? बोले दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 जप किया ना, कल कितना मिलेगा? बोले 1,25,000। एक दिन में 1,25,000, बोले 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 हो गया, 4 दिन में। इसका इंटरेस्ट इतने तेजी से बढ़ती है, लेकिन जगत में पैसा जमा करना 7-8 साल में डबल होगा, और जमा करोगे मरते समय सब यही रह जाएगी। लेकिन ये ऐसे के धन है जिसको पिता कमाएगा बच्चे नहीं ले सकते, वो पिता ही अधिकारी बनेगा। जिसको पत्नी कमाएगी पति नहीं ले सकते हैं, वो पत्नी ही इसकी मालिक बनती है। जो कमाएगा इसी जीवन में तो मालिक बनोगे ही, और अगली जीवन में ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी। ये धन को कोई लूटने वाले नहीं, इसलिए बोले लूटे नहीं जावे फूटे नहीं जावे दीन बढ़त सवार, जो धन तुम्हें बढ़ती रहेगी। और ये धन में अगर एक बार इसी धन में अगर कोई मालिक बन गया ना, धनी बन गया,
जब तक ये दुनिया रहेगी देखना तब तक तुम्हारी नाम होती रहेगी। लेकिन ये जगत में पैसा, जैसे हमारे पास बहुत पैसा, तब तक जब तक शरीर रहेगा उसके बाद में फिर पूछे कोई पूछने वाले नहीं, और मरते समय ये पैसा साथ में भी जाएगी नहीं, पैसा यही रह जाएगी। लेकिन ये ऐसे के कहने हैं इसी जीवन में रहेगा, उसी जीवन में ब्याज के साथ में ये मिलेगी। इसलिए हमें कौन घरानी को ज्यादा प्रेम करनी चाहिए, चौथी नंबर सबसे छोटी, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अभी एक माला जप करेंगे, हमारे तमाल कृष्ण प्रभु है, तमाल कृष्ण प्रभु थे ना, कहाँ गए तमाल प्रभु थे ना, कहाँ कहाँ है, इधर आओ ना प्रभु जी, इधर सामने आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। हरे कृष्ण, देखो हम अपना घर को गोलोक वृंदावन कैसे बना सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया वृंदावन और कहीं नहीं, वृंदावन अपना घर को ही वृंदावन बनाओ। जिस घर में भक्ति करे, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो, प्रभु का नाम हो, ठाकुर का सेवा पूजा हो, वही घर ही वृंदावन, वृंदावन और कहीं नहीं है। हमारा घर ही वृंदावन बन जाएगी जब हम अपना घर में भक्ति करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अपना घर को वृंदावन का स्वरूप दो, अपना घर को वृंदावन की स्वरूप दो, आप भी भक्ति करें और अपना बच्चों को भी भक्ति में लगाओ। देखो जिस परिवार जो प्रभु कथा जैसे करवा रहे हैं, जैसे नवीन प्रभु जी हैं, आप देखो ये अपना काम करता है, उसकी पत्नी वो भी काम करती है, ये भी पूरा परिवार, उनको जो भाई जो क्या ले रहे हैं, उनको जो साला, उसने सब परिवार को पूरा पूरा जोड़ दिए, सब पूरा परिवार को जोड़ दिए। इन लोगों ने कोई गंदी चीज नहीं लेते, कोई शराब नहीं, मांस नहीं, सिगरेट नहीं, यहाँ तक भी इन लोगों ने कोई चाय फाय कुछ नहीं, एकदम पवित्र रूप में सबके सब घर में प्रभु की भक्ति करते हैं, हरि नाम करते, प्रभु का भजन करते सबके सब। इसलिए अगर आप लोग भी भक्ति करोगे आपका घर नहीं, आपका घर भगवान की धाम बन जाएगा। इसलिए आप लोग अपना घर को देखो, ये कथा करने का हमारा यही उद्देश्य है, अपना घर भगवान का धाम हो जाए। लेकिन अगर प्रभु का भक्ति नहीं करोगे ना, बच्चे लोग को आप रोक नहीं सकते हो, आपको बता सकते सब, बच्चे बाहर गए क्या करते हुए आपको बताएंगे, ये अभी ये शराब तो साधारण हो गया, मांस मछली उल्टा पुल्टा चीज खाना तो अभी साधारण हो गया। लेकिन अगर आप लोग भक्ति करोगे ना, आपका बच्चे कभी गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, बच्चे अच्छे बन करके रहेंगे। और पिता माता को तो सबसे पहले पिता माता को आदर करेंगे, हाँ पिता माता को आदर करेंगे। मैं परसों बता रहा था ना, एक व्यक्ति कहता था पहले गांव में एक गुंडा होता था, अभी घर घर में गुंडे जन्म हो गए। तो वो कह रहे थे, बोले क्यों, बोले कोई बच्चा बात ही नहीं सुनता है, वो बच्चा बात ही नहीं सुनता है। इसलिए लेकिन अगर आप भक्ति करोगे ना, आपका बच्चे कोई गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, अच्छे रास्ता पर जाएंगे। हमारे बीच में एक प्रभु जी है, बहुत अच्छे परिवार के, इन्होंने अपना घर में सत्संग भवन भी खोला है, इनके बच्चे पत्नी पूरा परिवार प्रभु की भक्ति करते हैं, हैं? अभी प्रभु जी आपको कथा सुनाएंगे, हम घर में रहते हुए हम कैसे प्रभु की भक्ति करें, हम अपना परिवार में रहे, पत्नी बच्चों को सबको लेकर घर में रहे, लेकिन हमको ऐसे लगे हम भगवान के धाम में रह रहे हैं, ठाकुर के धाम में रह रहे हैं। अपना घर को कैसे प्रभु का धाम का स्वरूप दे, अभी प्रभु आपका अनुभूति की बात बताएंगे। पहले इनका जीवन क्या था और धीरे धीरे परिवर्तन होकर अभी आज जीवन कैसे है, ये प्रभु जी अभी आपको थोड़ी सुनाएंगे। अज्ञान दिव्यंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णमूर्ति वरदेवी सत्यवते नमो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। भजो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिदि गौर भक्तवृंद। सभी बड़े प्रेम से कहते हैं
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम ने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन हमारे श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में यथा दंडवत सभी वैष्णव वैष्णवी भाई बंधु श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथाजथ अनुरोध स्वीकार करें। वैसे तो जो कुछ भी सुना इन वैष्णवों से महाराज जी के मुख से और ये जो कथा भी महाराज जी ने सुनाई चार रानियों वाली ये वास्तव में हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली है कि जिन चीजों से हम प्यार कर रहे हैं जिन चीजों की हम सेवा कर रहे हैं जिन चीजों की हम कामना कर रहे हैं जिनके साथ हमारी आसक्ति है जिनसे हमारा संबंध बना हुआ है वो कितनी देर काम आने वाला है ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। मैंने बहुत साल पहले कथा सुनी थी महाराज से और फिर उसके बाद गाता फिरता हूँ उसी कथा को कि भाई ये सगे संबंधी ये धन दौलत ये गाड़ियाँ ये कोठियाँ ये गहने और तो और अपना ये शरीर भी जो है ये साथ देने वाला नहीं है और जो चीज़ साथ देने वाली है उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल लिया जाए। कितना समय निकाल लिया जाए वो फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। इसमें कहा कि नित्य नित्यं भागवत सेवया। अब नित्यं भागवत सेवया जो है इसका अर्थ और इसको साकार करना देखने में तो बड़ा मुश्किल लगता है। भी काम धंधा छोड़ दें घर बार छोड़ दें बच्चे छोड़ दें नित्य भागवत सेवा करें ऐसा लगता है ना? ऐसा है नहीं। नित्यम भागवत सेवा का अर्थ है कि नित्य हमारे मन में इन साधुओं के प्रति सम्मान हो जो ये कह रहे हैं इसको हम मान के चलें। नित्य उस भागवत के प्रति सम्मान हो उस शास्त्र के प्रति सम्मान हो जो वो कह रही उसको अपने मन में लेके चलें। इसके लिए कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं कोई क्रिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता कहीं नहीं था। मात्र इतना करने से कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं भाव मन में ये आ जाए कि मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं। बच्चे हैं बच्चों की सेवा करनी है गृहस्थ में है ठाकुर जी ने गृहस्थ में रखा ठाकुर जी आपने मेरे को गृहस्थ में रखा है ये पत्नी ये पति ये बच्चे ये जो आपने दिए हैं ना ये आपने दिए हैं ये आपके हैं ये मान के मैं इनकी सेवा करूंगा ये भक्ति हो गया। ये धन कमाने जा रहा हूं किस लिए कि ये ठाकुर जी ने जो सेवा दे रखी है इसको भी तो पूरा करना है इसलिए धन कमा रहा हूं। बच्चों के लिए नहीं कमा रहा हूं बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं कमा रहा हूं ये ठाकुर जी ने जो जिम्मेवारी दी है मेरे को मैं इसको करने के लिए उसके साथ साथ थोड़ा सा श्रवण उसके साथ साथ जो बनाया ठाकुर जी को अर्पित किया प्रसाद रूप में सबको सर्व कर दिया खाना वही बन रहा है ना। मात्र उसमें से वो दूषित पदार्थ हटा देने की आवश्यकता है हमारे घर में क्योंकि ये सारी की सारी जो बात है ये सारी की सारी सात्विक बात है। इस सारे का सारा वातावरण जो है हमें सात्विक बनाना है। भक्ति का अर्थ क्या है ना कि इसमें तमोगुण का स्थान ना हो। अगर आहार हमारा सात्विक होगा आचरण हमारा सात्विक होगा तो हमारे घर में सुख और शांति स्थायी रूप से रह सकती है आनंद हमारे घर में स्थायी रूप से क्योंकि ठाकुर जी तो ग्रहण करेंगे नहीं तामसिक भोजन को इसलिए हम क्या करेंगे आहार क्या बनाएंगे जो ठाकुर जी को भोग लग सकता है। वस्त्र लाएंगे ठाकुर जी को अर्पित करेंगे कोई भी वस्तु आएगी घर में पहले ठाकुर जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद
कोई आ जाए उसको भी भगवान का प्रसाद निवेदित प्रसाद समझ के उसको भी स्नान कराएंगे, बच्चों को भी वही कराएंगे। ये तो सब जानते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। अब जब ठाकुर जी को अर्पित प्रसाद कोई पाएगा तो उसका मन कैसा बनेगा? अशांत होगा। तो अगर आप शांति चाहते हैं घर में तो ठाकुर जी को भोग लगाइए, हरि नाम लीजिए, उनकी आरती करिए, उनके दर्शन करिए, है ना। तो ये सारे का सारा वातावरण जो है ये कहाँ का है? जहां आनंद ही आनंद है वो कौन सा है? वो ठाकुर जी का धाम है। और धाम हमारे घर में नहीं आ जाएगा? महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने अपने अपने घर को सभी वृंदावन बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा अपने आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपने आप में लाना प्रयास करेंगे। सचमुच ये अनुभव है कि इस हरिनाम से जुड़ने के बाद जीवन की वो संगतियां, जीवन की वो टेंशन, जीवन की वो सब जिसको बहुत उल्टे पुल्टे नाम दिए जाते हैं वो सब के सब ऐसे चले गए जैसे ताली बजाते ही कोई पक्षी उड़ जाता है ऐसे। जीवन का कोई कष्ट, कोई टेंशन, कोई बसुरी जिसको कह दो वो जीवन में नहीं है। क्या है? आनंद, केवल आनंद। और वो उसके पीछे कारण ये साधु संग, और साधु संग में आके ये सत्संग में आके जो सुना उसको अपने साथ घर पे ले जाना, यहाँ छोड़ के नहीं जाना, इसको लेके जाने से ही हमारा कल्याण होने वाला है। गौर प्रेमानंद माला सब वापस दे जाना, लेना नहीं। हरे कृष्णा। हाँ देखो, जो परसों है, परसों हम लोग जनवरी 26 को श्री गिरिराज गोवर्धन हम जा रहे हैं, वहाँ पर परिक्रमा भी लगाएंगे, गिरिराज को दर्शन भी करेंगे। इसलिए जो भक्त लोग जाना चाहते हैं आप लोग आज ही नाम दे देना, क्योंकि उनको बस नवीन प्रभु को बस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसका जो खर्चा है 600 रुपया आना जाना और प्रसाद एक साथ में। आज आप लोग अपना नाम लिख लीजिए ना, फिर प्रभु जी बस की व्यवस्था करेंगे। सवेरे जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। हाँ, सबके पास में पहुंच गया माला? माला पहुंच गई सबके पास में? समझो हम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के चरण में बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं। सबके सब आंख बंद कर लो, अपना मन मन में श्री वृंदावन में चलो। यहाँ तो वृंदावन है ही, ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठे हैं। आंख बंद करके देखो, इसमें तीन नाम है, हरि कृष्ण और राम, इसमें तीन नाम है। बोले हरि का मतलब क्या? जो हमारे दुख कष्ट ताप क्लेश को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि।
कृष्ण मतलब क्या, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। क्री मतलब होता है ये चंचल मन को खींच करके लाना। स्ना मतलब है आनंद देना। राम मतलब होता है सभी का हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। इसलिए इसमें तीन नाम है और ये तीन नाम का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो नाम भी हमें वही देने वाले हैं। जीवन में आराम देंगे, दुख कष्ट को हरेंगे और चंचल मन को शांत कर देंगे। ठीक है। और जब हरि नाम करो किस भाव से करोगे? बोले हरे मतलब होता है राधा जी का नाम, जो कृष्ण का मन को चित्त को जो हरण करती है वो हरा से हरे। कृष्ण मतलब, कृष्ण मतलब कृष्ण, बोले हे राधे, हे कृष्ण, हम आपका ही संतान है लेकिन आपको भूलने का वजह से संसार में हम दुख कष्ट उठा रहे हैं। आप कृपा करके पुनः अपना चरण की भक्ति सेवा अपना चरण में अब स्थान दो। इसी भाव से आप सबके सब हरि नाम करें। मेरे पीछे पीछे बोलना, ये नाम करने से पहले एक नाम पहले बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। ये नाम को बोल करके हरे हरे कृष्ण बोलना। अब मेरे साथ में सबके सब बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी सी जोर जोर से बोलो, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर कितने भक्त 150 भक्त करके बैठे हुए, माला तो एक करेंगे लेकिन कितने माला करने का पहल मिलेगा? 150 माला मतलब है 3 लाख। आज आपका बैंक में 3 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट होने वाले, लेकिन थोड़ा सी जोर जोर से बोलो। अब जो हरिनाम करेंगे उसको पाप तो उड़ जाएगी लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसलिए सबके सब जोर जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा माला पूरी हो गई ना हो गई सबके सब माला वापस दे दो सब खड़े होकर माला एकत्रित कर लो सबके सब हरे कृष्णा सब माला ले लो वापस बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम देखो
गिरिराज की जो जितने जोर से जयकार दोगा ना उतना भगवान की थोड़ी जय है, जय तक अपने आप है, तो जितने जोर से जय देगा उसका उतना पाप घटेगी और उसका ही उतना जयकार होगा। ठाकुर का जय देने से जय होता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। देखो अभी हम लोग श्री गिरिराज की पूजा करेंगे और प्रिया प्रिया तुम मटकी को फोड़ फोड़ा नहीं मटकी ना हल फोड़ दे हां हल गिरिराज का मटकी एक साथ फोड़ दे ठीक है मटकी फोड़ोगे ना उसको सजा दो प्रिया से। हरे कृष्णा। अब देखो हरे कृष्ण केले कहां ले जा रहे हैं? हरे कृष्ण हरि बोल। हां जिनकी इच्छा होगी हम हरिनाम करना चाहते हैं अब कल हम हरिनाम वाला देंगे सबको, लेकिन जो व्यक्ति मांस मछली नहीं खाते हैं यहाँ तक भी जो प्याज लहसुन नहीं खाते हो फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं और गले में भी तुलसी की माला देते हैं, लेकिन जो बोलेगा इतना जल्दी हम छोड़ नहीं सकते धीरे धीरे हम छोड़ेंगे फिर हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम नीम की माला देंगे, लेकिन वो नीम माला जब करते नीम माला जब करते 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 धीरे धीरे सारे हमारी गंदी चीज धीरे 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 समाप्त हो जाती है। देखो जैसे अगर हम अमेरिका जाना चाहते हैं नहीं तो लंदन फ्रांस जाना चाहते हैं हमारे पास में तीन चीज की जरूरत है, बताओ तो क्या तीन चीज हो जैसे हम विदेश जा सकते हैं? बोलो तो क्या होनी चाहिए तीन चीज? पासपोर्ट, वीजा और हाँ पैसा होनी चाहिए। भैया ने सही बात बोला, तीन चीज होनी चाहिए। उसी तरह अगर हम भी अगर ठाकुर के पास में जाना चाहते हैं हमारे पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट क्या है? ध्यान देकर सुनो। बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। ये तुलसी कंठी कोई लकड़ी नहीं है। जब हमारे बड़े गुरु जी अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए अंग्रेजियों को बोले भैया गले में तुलसी माला पहनो। बोले लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे पास में सोने चांदी है, कहते हम ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? तब हमारे महाराज ने कहा देखो ये लकड़ी नहीं है। उन्होंने हमारे वेद पुराण उपनिषद से सब श्लोक को उठा उठा कर बताए, देखो उसमें कितने मेडिसिन है। अभी अमेरिका में अंग्रेज लोग इसका रिसर्च किया, बोले भैया ये हिंदू लोग एक पेड़ पूजा क्यों करते हैं? तुलसी पेड़ है ना, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको दिया जलाते हैं। बोले भैया पेड़ पूजा क्यों करते हैं? जब उन लोगों ने रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहीं अगर मेडिसिन है ना बोले ये तुलसी वृक्ष। आप लोग अपना मेडिसिन शॉप से एक दवा ढूंढना, उसका नाम है तुलसी पावर, उसका नाम है तुलसी पावर, ढूंढना कल मेरे को बताना, देखना उसमें इतना बड़ा पेपर मिलेगा, आप पेपर को पढ़ करके देखिएगा कहते 200 बीमारी की जो मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में। रोज रोज जो जो तुलसी पत्ता खाएगा कभी जिंदगी में कैंसर टीबी कभी नहीं हुई जो व्यक्ति को, अगर दो दो तुलसी पत्ता रोज कोई खाए तो। कहते जो कैंसर है, एक माता जी थी जिनकी कैंसर हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया बोले तुलसी पत्ता की जूस पिया करो उससे वो सही हो गई। इसलिए ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी पत्ते से सही नहीं होता है, इसलिए तुलसी वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसमें पृथ्वी का सारे मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। आप लोग तो हिंदू है, देखना नारायण को साथ में तुलसी की शादी कराते हैं, देखते देखेंगे नहीं? अगर गले में तुलसी कंठी पहनो ना गले में माँ लक्ष्मी की निवास हो गई, क्यों? ये नारायण के साथ में शादी होती है। और तुलसी वृक्ष में हम कहते हैं ना भैया वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर है। अगर गले में कंठी है ना ये नारायण और लक्ष्मी दोनों आपकी गले में दोनों की निवास हो गई। हाँ देखो हम इसको गले में क्यों पहनते, देखो इसमें क्या साइंस है, ये चीज को समझो। ये शरीर का सबसे जो कोमल अंग है ये कंठ है। किसी व्यक्ति को मारना हो ज्यादा करने कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल गला दबा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करता है कंठ से, इसलिए हम ताबीज कहाँ बच्चों को पहनाते हैं? कहाँ पहनाते हो ताबीज? गले में पहनाते हैं। आप मुसलमानों को देखो, क्रिश्चियनों को देखो, हिंदुओं को देखो, खाली गले में, कहते खाली गले में नहीं रहनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ पहनते हैं।
अगर गले में तुलसी कंठी अगर पहने तो ये गले से ही सारे बीमारी अंदर में प्रवेश करता है। अगर ये तुलसी हो तो उसमें सारे मेडिसिन हो गया, लक्ष्मी नारायण ऐसे में हो गए, इसलिए कोई भी गंदी चीज आएगा ना आपके अंदर में ये प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको हर समय कवच जैसे कि आपको रक्षा करेगा। इसलिए गले में हम ये तुलसी कंठी धारण करते हैं। जैसे ठाकुर को कोई चीज भोग लगा देखना, जब तक तुलसी पता नहीं देते हैं ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कोई बोली बोलेगी अगर गले में कंठी होना वो पवित्र होकर जाएगी। अगर कोई चीज ग्रहण करते हैं गले में कंठी उसको टच करते हुए अंदर में जाता है वो पवित्र बैठ करके। और जब महाराज जमदूतों को बोले, बोले देखो जो भजन नहीं करते हैं उसको बांध करके मेरे पास में ले आना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भजन करता है कि नहीं करता है। देखो ध्यान देकर सुनो। बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गले में फट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है भैया ये फालतू कुत्ता है। और जो गले में पट्टे नहीं वो फालतू है। देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, हमें भगवान की पालतू होनी चाहिए, ठाकुर जी की हमें पालतू होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पहला नंबर ये पासपोर्ट है। बोले दूसरा नंबर क्या है प्रभु जी, अब बात मत करो नहीं तो पीछे चले जाओ। इसलिए पहला नंबर ये पासपोर्ट है। बोले दूसरा नंबर वीजा। बोले ये वीजा क्या है, बोले ये तिलक है। ये तिलक अब लोग हिंदू आप देखना, जैसे कोई व्यक्ति अच्छी कोई बिजनेस में जा रहा है आप देखना तिलक लगा कर छोड़ते हैं कि क्यों, वो विजय का लक्षण है। कोई भी काम के लिए जाओ तिलक लगा करके जाओ तो काम तुम्हारी बन जाती है। देखना जब घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा ना, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा पूजा करेगा कि नहीं, वो करेगा कि नहीं पूजा नहीं कराएगा। क्यों, तिलक के बगैर ये पूजा निष्फल है। आप देखो भगवान नारायण तिलक है कि नहीं, आप देखो भगवान कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, देखो भगवान राम को देखो तिलक है कि नहीं, ये हनुमान जी को देखो तिलक है कि नहीं। आप कोई भी 33 करोड़ देवता को देखोगे वो तिलक के बगैर किसी ठाकुर को ही नहीं देखोगे, सारे ठाकुर भी ये तिलक को धारण करते हैं। इसलिए हम लोग ये जो तिलक लगाते हैं ये गोपियों की चरण धूलि है। ये नारद जी ये ब्रजराज को लेकर गए थे द्वारका में। आप लोग कोई द्वारका गए हो, कौन को द्वारका गए हाथ उठा। हाँ जो लोग गए देखे होंगे वहां पर एक गोपी तालाब है, ये मिट्टी और वही नहीं मिलती है वहीं से आती है, जिसको द्वारा कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं जिस ब्रज राज्य से भगवान स्वयं स्नान किया था। इसलिए ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये पवित्र मिट्टी है। जैसे संतों का चरण धूलि हम ग्रहण करते हैं, ब्रजवासी सबसे बड़े संत ब्रजवासी ये उनकी चरण धूलि है। इसलिए पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा वीजा। बोले तीसरा नंबर क्या, बोले टिकट। बोले टिकट क्या है, अब अभी अभी श्रवण कर रहे थे, चार रानियों में सबसे जो छोटी रानी थी ना वही टिकट है। छोटी रानी कौन थी, छोटी रानी कौन थी, बोले भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम ही ये छोटी रानी थी। इसलिए अंतिम समय में यही चीज जाती है। इसलिए हमारे पास में ये तीन चीज अगर होगा ना, समझो इसी जीवन को बाद में आप निश्चित रूप में ठाकुर को धाम में चले जाओगे, अगर ये तीन चीज आपके पास में हो तो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। देखो ये तुलसी कंठी धारण करने के लिए कुछ नियम भी है। बोले क्या नियम है, बोले कोई गंदी चीज नहीं खानी चाहिए, मांस मछली तो नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक भी प्याज लहसुन भी नहीं लेनी चाहिए। ये प्याज भी तामस की वस्तु है। आप लोग नवरात्र रखते हो, कौन कौन नवरात्र रखते हो, सबके सब रखते हो। अब नौ दिन तक आप लोग कोई प्याज लहसुन खाते हो भाई, बोले क्यों नहीं खाते हो, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो। क्या माता जी को 9 दिन के लिए खुश रखना था, फिर खा करके मैया को फिर नाराज कर दो, नहीं। जो चीज उनको पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। और ये ठाकुर जी को भोग में भी नहीं लगता है, ठाकुर जी को भोग में नहीं लगता है। देखो पुराण में कथा आती है क्यों ये प्याज लहसुन नहीं खाते है। पर पहले ऋषि मुनि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन ये गो माता है गैया को मारने नहीं देते थे। अगर वो बूढ़ी हो जाती है ना बैठ जाती, अगर वो बूढ़ी हो जाती थी वो एक यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र होता था
जब दो बार मंत्र बोलते थे वो बूढ़ी गैया फिर जवानी बन जाती थी। गैया में कोई ऋषि आश्रम में कोई गैया बूढ़ी हो गई, उन्होंने बूढ़ी गैया के लिए उन्होंने के यज्ञ की अनुष्ठान की और गैया को उन्होंने बलिदान दिया और जितने लोग थे सबके हाथ में मांस दे दिया, सबके सब हवन कुंड में आहुति डालना। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने मांस को देख करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबको सामने खाए गई से, जब सबके सब चले जाए फिर हम खाऊंगा। फिर उन्होंने रातों में छुपका दुबका दी, सबके सब आहुति डाली। ऋषि ने दो बार मंत्र पढ़े तो एकदम गैया जवानी बन करके निकली, लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपाया था देखा बहुत बड़ा घा बना हुआ। ऋषि बोले भैया ये घा क्यों बना हुआ, शरीर ही भरा नहीं क्यों? उन्होंने ध्यान लगाए, देखा किसने मांस खाने का लोभ से उन्होंने रात में छुपा करके रखा, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को काट दिया जैसे मांस लाल लाल रंग की यहाँ से प्याज की पौधा होगी। आप देखो जैसे मांस सड़ जाए, जैसे बदबू आती है देखना प्याज में भी ऐसे बदबू आती है, यहाँ प्याज काटना पूरा पता चलेगा कि प्याज कट रही है, प्याज की छोंक दो पूरा उसका बदबू फेंक जाती है। आप कच्चा प्याज खाओ किसके साथ में बात भी नहीं कर सकते हो। इसलिए नवरात्रि जब आती है ये 9 दिन तो क्यों नहीं खाते हैं, ये माता जी को ये चीज पसंद नहीं है ना, तभी तो नहीं खाते। क्या भैया को 9 दिन तक खुश करो उसके बाद में खाओ और नाराज कर दो। और एक चीज है, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना जैसे खाओगे अन्न वैसे मिलेगा मन। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, जो व्यक्ति मेरे को प्रसाद मतलब भोग लगा करके खाना खाएगा बोले सर्व दुखानाम उसका घर का सारे दुख खत्म हो जाएगा। कृष्ण स्वयं गीता में ये बात को कहते हैं, भगवान को भोग लगा कर खाने से घर का सारे दुख दूर हो जाती है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा, अगर मेरे को कोई भोग नहीं लगाता है तब वो पाप भोजन होता है और भगवान को जो भोग लगाएगा वो अमृत अमृत हो जाता है। और देखो ठाकुर को भोग लगाने का कितना पुण्य है। आप लोग ने सुदामा का नाम सुने हो, कौन सुदामा जी का नाम जानते हो? आप सबके सब जानते हो, कभी ये पहले गरीब था लेकिन बाद में धनी बना। क्यों गरीब बना फिर धनी क्यों बना? आप लोग टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा वन में जा रहे थे उनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा तुम कृष्ण को दे करके खाना, लेकिन सुदामा ने किया क्या? आप देखे होंगे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ बारिश ही हो रही है और छुपा छुपा कर कृष्ण से खा लिया। कृष्ण तो सब जानते हैं, बोले सुदामा इसका फल भुगतना पड़ेगा, मेरे हिस्से को तुम खा रहे हो। इसलिए इतनी गरीबी उठाया जीवन में, लेकिन जब उसकी पत्नी को पता चला इनकी बचपन का दोस्त द्वारकाधीश, बोले एक बार ठाकुर जी को पास में जाओ, उन्होंने 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गया। ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले प्रभु नहीं, अपने 2 मुट्ठी खा लिया सुदामा जी घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर 3री मुट्ठी खाओगे ना मैं लक्ष्मी मेरे को दासी बनना पड़ेगा प्रभु और मत लो। आप देखे होंगे जब सुदामा घर में वापस आया सोने की महल बनी हुई, हजार हजार दासियां सेवा कर रही है, वो अपना घर को पहचान नहीं पाया, पत्नी देख करके आरती उतारने के लिए आए। सुदामा सोच रहे हैं भैया ये राजरानी मेरे तरफ में आरती उतारने के लिए क्यों आ रही है, वो पीछे पीछे हट रहे थे। पत्नी ने बोला मेरे को पहचान नहीं रहे, बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपका वही सुशीला है ना, बोले इसम क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए आप चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाकर आता रहती है ऐश्वर्य दे दिया। हाँ देखो आप स्वयं देखोगे ठाकुर जी को भोग लगाओगे ना, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। क्योंकि एक चीज को अच्छे तरह से समझो, पैसा को कहते हैं लक्ष्मी, पैसा को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण की, बताओ किसकी है लक्ष्मी? नारायण। हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, अगर वो चीज अगर ठाकुर को सेवा में लग जाती है ना माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, बोले बेटा खूब खुश रहो खूब आनंद में भरपूर रहो। अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा ना कोई चीज, भले ही घर में करोड़ों करोड़ रुपया आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही ना वो लक्ष्मी खुश नहीं होगी, घर में बीमारी दे देगी, झामला दे देगी, कोर्ट मामला लगा देगी, घर में अशांति अशांति फैला देगी। क्यों? लक्ष्मी को हम भोग करना चाह रहे हैं,
लेकिन लक्ष्मी हमारी भोग्या नहीं, वो नारायण की ही भोग्या है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो मेरे को भोग लगा कर खाएगा उसको घर में दुख कष्ट नहीं रहेगा, वो आनंद में भरपूर रहेगा। ठीक है ना? एक अगर जो व्यक्ति प्याज लहसुन छोड़ करके आप शुद्ध रूप में करोगे, फिर हम उसको गले में तुलसी कटी देते हैं, फिर तो जप करने के लिए भी तुलसी माला देते हैं। जो बोलेंगे नहीं धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर आप लोगों को नीम की माला देते हैं, बोले इसमें हरिनाम करते रहो, धीरे धीरे हरिनाम करते करते फिर ये सारी चीजें अपने आप छूट जाती है। करें तुलसी माला लेकर के थोड़े भजन करना। ठीक है? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। प्रभु देखो ये आम्र मटकी मटकी रखा हुआ, कृष्ण अभी मटकी को फोड़ेंगे, फिर हम गिरिराज की कथा सुनेंगे। देखो ये मटकी को नीचे थोड़ा हट जाओ, मटकी को नीचे आप लोग बैठे हो, सर में नहीं गिर जाए। बोलो माखन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। सखी रात सपने हर भैयती गए स्वर्ग का देवता है, हम लोग ग्वाल हैं,
हमारा मूल धन ये गैया है, ये उपयुक्त समय पर ये आदेश आदेश पर ये बारिश होती है और बारिश से घास उगती है, गैया घास खाते हैं, फिर दूध देते हैं, दूध से ही ये मिठाई दही जो कुछ ये दूध से बनता, यही हमारी मेन आहार है। इसलिए हम लोग हर साल श्री गिरिराज की हम पूजा करते हैं, श्री इंद्र की पूजा करते हैं। इतने में कृष्णा सोच रहे थे ये गिरिराज पूजा का प्रारंभ हम कराएंगे, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है, कौन कौन गिरिराज गए हो आप लोग, कौन कौन गिरिराज गए, जोर से हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रहा, बोले जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये कोई पहाड़ नहीं है, इनकी हमारे संतों ने इसका तीन स्वरूप बताए। इनका पहला स्वरूप है गिरिराज की, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ने कठोर तपस्या की, जब कृष्ण संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा को देखो ये ब्रज का कितने महत्व है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते तो बोले प्रभु हमें अगर ब्रज में पहाड़ बनकर के अगर जन्म हो जाए, आप अगर हमारे सर के ऊपर मीठी मीठी लीला करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान तथास्तु बोले तो स्वयं शंकर जी ये नंदगांव रूप में प्रकट हुए, नंदीश्वर महादेव, स्वयं ब्रह्मा जी ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए, और जो स्वयं विष्णु थे ये गिरिराज गोवर्धन रूप धारण किया। ये गिरिराज नहीं है भगवान विष्णु स्वयं, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। इनका दूसरा रूप क्या है, इसलिए कृष्णा तो एक रूप में पूजा करवाए और दूसरे रूप में उन्होंने पूजा को ग्रहण किया, इसलिए गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज साक्षात ये कृष्ण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, उनको दो चीज दिया था, गुंजा माला बलि ये स्वयं राधा रानी, और गिरिराज शिला दिए बलि स्वयं कृष्ण, इसलिए स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज उनका धारण किया है। इनका जो तीसरा स्वरूप है, राधा रानी खुद कहती है हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य, भगवान की सबसे बड़ा जो भक्त है श्री गिरिराज है, सुंदर झरना उसमें, उसमें फल है, उसमें मधु है, उसमें फूल है, उसमें फल है, भगवान वहां स्नान करते हैं, कुंज में लीला करते हैं, रास रचाते हैं, गिरिराज हर रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान के सबसे बड़ा सेवक श्री गिरिराज, इसलिए इनका नाम है गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज मतलब क्या, बोले गिरियों में जो सबसे बड़े हैं, लेकिन हम कहते हैं हिमालय सबसे बड़ा, बोले नहीं, पहले ये गिरिराज गोवर्धन ये 64 मील लंबाई थी, लेकिन ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से एक तिल क्षय होते जा रहे हैं, लेकिन ये थी 64 मील, ये थी लंबाई थी, इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन था। और गिरिराज मतलब गिरियों में जो सबसे बड़े, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही गिरिराज रूप धारण किए। गोवर्धन मतलब गो मतलब होता है इंद्रियां, वर्धन मतलब इंद्रियों को जो वर्धन सेवा करते हैं, इसलिए जो ब्रजवासियों को सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को जो पूरी करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी चुपचाप बैठो, जो पीछे आके बैठ जाए प्रभु जी बैठ जाए। इसलिए कहते जो गिरिराज जो गोवर्धन है, कहते ये सब कुछ इच्छाओं को ये पूरी करने वाले, इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण उनको पीछे 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 कृष्ण चलते रहते हैं, भैया इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा, जो मांगो गिरिराज को, सारी इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी करते हैं। आप लोग देखना इतने गिरिराज की दूध की अभिषेक करते हैं, जैसे झरना में पानी जाती है ना, ऐसे ही बहती हुई जाती है, बोले क्यों, बोले जिन जिनियों ने जो जो इच्छा किए, इसलिए कृष्ण का समय से भगवान कृष्ण तो चले गए, लेकिन हमारे लिए उन्होंने तीन चीज को छोड़ कर गए, तीन चीज क्या है, बोले एक श्री गिरिराज गोवर्धन, दूसरा क्या, बोले यमुना पटरानी, तीसरा क्या, ये वृंदावन धाम। बोले ये गिरिराज आए कहां से, बोले ये किसी मरते जगत का कोई पहाड़ नहीं है, बोले ये गोलोक वृंदावन में एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक सुंदर स्थान हो
जो पृथ्वी का सबसे सुंदर हो, जहां पर हर तरह का पेड़ पौधा फूल, हर तरह का गुफाएं कुंजों हो, जहां पर एक साथ में छह ऋतु बहता हुआ हो, हर तरह का फूल, जहां पर ठंडा नहीं हो गर्मी नहीं हो, तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को राधा रानी अपना हृदय से प्रकट करती है। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन को बताए प्रकृति है मनसा जात, राधा जी के हृदय से ये गिरिराज प्रकट हुए। श्री गिरिराज बाबा की इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अब ये ब्रजवासियों को, प्रभु जी बैठो बाद में बोलूंगा, इसलिए कृष्ण सोच रहे थे ये ब्रजवासियों को पता नहीं गिरिराज की क्या महिमा है, इसलिए आज से हम श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा को प्रकाश करेंगे और ये हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा गिरिराज। इतने में कृष्ण ने कहा पिताजी आप कितने सालों से ये इंद्र पूजा करते हुए आ रहे हो, पर जब से होश आया, बोले कभी आपने देखा इंद्र को खाते हुए और वरदान देते हुए, बोले नहीं, बोले पिताजी जब ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे ना हमारी ये ब्रज की ये साक्षात देवता है, मेघ आकर इसमें टकरा करके बारिश होती है, गैया यहीं से घास खाते हैं, हम पानी यहीं से पीते हैं, जितने फल फूल कहाँ से मिलता है, बोले गिरिराज से, इसलिए पिताजी ये गिरिराज की जब आप पूजा करोगे आप देखोगे ये गिरिराज साक्षात रूप में दर्शन देंगे, जो कुछ आप मांगोगे सब कुछ इच्छा पूरी करेंगे और आप देखोगे स्वयं भोजन करते हुए। नंद बाबा बोले लाला इन्हीं आंखों से हम इंद्र दर्शन गिरिराज के दर्शन करेंगे, बोले हाँ पिताजी, बोले भैया फिर तो हम इंद्र पूजा नहीं, कल हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, इंद्र पूजा नहीं कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। जितने ब्रजवासी थे ना कहते चार तरह का चावल बनाए, आप लोग कितने तरह का चावल लाए, बोले एक मीठा चावल एक फीका चावल एक नमकीन और एक में मटर पनीर डालते लाए, चार तरह के चावल लाए और पराठा तो 15 तरह का पराठा लाए थे, आलू की गोभी की बथुआ की मेथी की पालक की कितने तरह का पराठा लाए थे और दो तरह का कढ़ी लाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी, राड कढ़ी जिसमें बगर पकौड़े के, बोले सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल कर बनाए थे, और दाल बाटी चूरमा भी दो तरह का लाए, एक रोना एक हंसना, रोना मतलब जिसे घी टपकता है और हंसना मतलब जिसको पतल में रखते ही खिल जाए, पांच तरह का दाल बनाई थी, मूंग की अरहर की छोले की मटर की और मूंग पांच तरह का तो दाल बनवाए और इतना लाए इतने लाए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट, बोले कूट का मतलब क्या, बोले पर्वत, बोले कितना गांव ब्रज में, बोले 365 गांव से सामान लाए, तरोली बरोली सही ऊंचा गांव नीचा गांव अभी भी ब्रज में जाओगे ना 365 गांव अभी भी ब्रज में, इतना सामान बैलगाड़ी में लद लद करके लाए, कूट मतलब होता है पर्वत, चावल होता पर्वत रूप में, रोटी हो तो पर्वत रूप में, पूरी हो तो पर्वत रूप में, मालपुआ तो पर्वत रूप में, जहां पर पर्वत पर्वत रूप में पूरा गिरिराज गोवर्धन एकदम खाने खाने में भर गया। कृष्ण अपना हाथों से गिरिराज की अभिषेक कृष्ण स्वयं किया है और पंचामृत के द्वारा उन्होंने स्नान कराया, इसलिए गिरिराज की इतनी महिमा क्यों है, कारण क्या है, कारण है सारा दुनिया बांके बिहारी का पूजा करता है लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की, गिरिराज गोवर्धन को पूजा की, सारा दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा लगाए, कि गिरिराज गोवर्धन को, भगवान स्वयं ब्रजवासियों को लेकर उन्होंने परिक्रमा की, इसलिए गिरिराज की इतने महिमा है गिरिराज की। कृष्ण अपना हाथों से अभिषेक किया और जितने खाना लाए थे ना सुबह कृष्ण पर उसको भोग लगा दो तुलसी पता दे करके, जितने खाने लाए थे सब ने उन्होंने तुलसी पता दिया, तुलसी पता दे करके उनको आसन दिया पाद्य दिया चरण में फूल दिए और उनको आह्वान किया और गिरिराज को उन्होंने भोग लगाया और इदम सहित नैवेद्योपकरणंत्री गिरिराजाय स्वाहा, जब उन्होंने गिरिराज को भोग लगाया सबके सब देख रहे थे स्वयं गिरिराज जी प्रकट हुए विशाल रूप लेकर के,
बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। कोई जयकार नहीं थे, जयकार में आनंद नहीं आया। देखो जितने जोर से आप जयकार करोगे ना गिरिराज, सब इच्छा को ही पूरी करने वाले। जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के जो कुछ भोग लगा रहे थे ठाकुर जी, दोनों हाथ को पसार पसार करके ठाकुर जी खा रहे थे और मिनट में सब कुछ खा लिया। बोले आओ रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी हैं, आप इतने नहीं, आप प्रसन्न हो जाओ। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन में स्वयं हूँ। आज का दिन ध्यान देकर सुनो भगवान क्या वरदान दे रहे हैं। ठाकुर जी प्रभु जी आप स्वयं पकड़ लो, इसलिए ध्यान देकर सुनो गिरिराज जी क्या कह रहे हैं। बल आज का दिन ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना जिसने किसी तरह से भोग में लगा दिया, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा। माँ लक्ष्मी उसके घर में भरपूर रहेगी। आप जाकर गिरिराज को देखना, बारह महीना वहां पर अन्नकूट महोत्सव होती है। बारह महीना अलग अलग जगह पर देश विदेश से सबके सब आकर उसे गिरिराज पूजा करते हैं। श्री गिरिराज महाराज देखो अभी कृष्ण का भैया चकाचक प्रसाद का, चलो हम सबके सब गिरिराज की परीक्षा लगाने जाएंगे। कृष्ण स्वयं ये ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण स्वयं परीक्षा लगाए। सबसे पहले कौन थे जो सबसे पहले चल रहे थे? जितने साधु संत चल रहे थे, जितने ब्राह्मण सबके सब आगे आगे, जितने ब्राह्मण चल रहे थे बोले उनको पीछे पीछे कौन चल रहे थे? बोले जितने गैया है, जितने गैया वो भी परिक्रमा, गैया भी परिक्रमा कर रही थी। बोले उसको पीछे कौन थे? बोले जितने गोपियां थी। बोले सबको पीछे कौन थी? बोले राधा रानी। सबके पीछे श्री राधा रानी सबके पीछे पीछे चल रही थी। जब चल रही थी बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय जय श्री राधे। देखो स्वयं भगवान कृष्ण परिक्रमा कर रहे थे राधा रानी सबसे पीछे। अभी राधा रानी थोड़ी दूर गई तो राधा रानी मन मन में सोच रही है, अगर कृष्ण मेरे प्रियतम हो गए ना, मेरी मन की भावना को समझ जाएगी और मैं सबसे पीछे चल रही हूँ, अगर कृष्ण आकर के मेरे को स्पर्श कर लेंगे फिर तो मैं समझूंगी कृष्ण मेरी मन की बात समझते हैं। अभी राधा जी की मन की बात कृष्ण समझ गए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया मैं तो बीच में और राधा रानी पीछे, मैं कैसे राधा जी को स्पर्श करूं? कृष्ण एक बछड़े को लेकर के सबसे पीछे उनको रख कर गए थे, उनको पूछ को उन्होंने ऐंट दिया। वो ऐंट थे ही वो बछड़ा एकदम तो फुदकते हुए तो पीछे चला गया और कृष्ण बछड़े को बहाना बनाते हुए पीछे गए और राधा रानी को उन्होंने पीछे से उन्होंने स्पर्श कर लिया। इतने में राधा रानी प्रसन्न हो गई, कृष्ण मेरे मन की बात को कृष्ण समझ गए। अरे कृष्ण एक ये बच्चों को पीछे ले जा। इसलिए और थोड़ी दूर गए तो फिर राधा रानी सोच रही है कृष्ण क्या मेरे को दर्शन देंगे? अगर मेरे को एक बार दर्शन दे दे फिर तो मैं समझूंगी मेरी मन की बात समझते हैं। कृष्ण दर्शन देंगे, कृष्ण तो बीच में। इतने में कृष्ण जो गैया चराने का लपुट थी वो लपुट को उसने कृष्ण जोर से फेंक करके छलांग लगा करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, राधा जी का दो नेत्र और कृष्ण का दो नेत्र मिल करके एक हो गया और राधा रानी हृदय से प्रसन्न हो गई, कृष्ण मेरे मन के बात को कृष्ण समझ गए।
ऐसे करते करते भगवान कृष्ण स्वयं रास्ता में प्रसाद खाते खाते उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की ठाकुर जी ने परिक्रमा लगाई। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे। देखो परसों हम लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। सवेरे सवेरे जाएंगे जनवरी 26 को। जिनकी इच्छा होगी हम भी परिक्रमा लगाने जाएंगे हैं? हम लोग यहाँ से सवेरे बस से निकलेंगे और शाम को वापस आ जाएगी इधर। और यहाँ पर जो बस का आने जाने का प्रसाद का जो पैसा है 600 रुपया है। हमारे श्री नवीन प्रभु जी कहाँ है? नवीन जी काफी है, काफी में किसको पास में काफी में तुम्हारे पास नहीं, इसलिए आप इनको अपना नाम आज दे जाना, फिर तो ये बस की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और कल ये भागवत कथा के विश्राम है, कल कृष्ण रुक्मिणी की शादी है। आप लोग कल सबके सब बराती बन करके आना, क्योंकि कल ठाकुर जी का विवाह है। जैसे शादी में चमक दमक कपड़ा पहनते है ना, शादी का समय का आपका जितने कपड़ा होगा उसको निकालना, पेटरा में सब आलमारी में रखकर खराब हो रहा है। कल सबके सब निकालना, क्योंकि कल ठाकुर का विवाह है ना, इसलिए सबके सब लाल लाल रंग के बढ़िया बढ़िया चुनरी और लहंगा पहन करके आना। कल भगवान की शादी होगी और कल सुदामा का चरित्र है और कल लास्ट में हम होली भी खेलेंगे। आज धीरज में होली रसिया, अगर थोड़ा थोड़ा गुलाल ला सकते हो लाना, नहीं तो फल अगर फूल ला सकते हो लाना। कल हम बड़े धूमधाम से यहाँ पर होली खेलेंगे और जो भगवान की जो कृष्ण की जो रुक्मिणी जो विवाह है, अगर उसमें कोई साड़ी देना चाहे तो साड़ी दे सकते हो। अगर कोई बढ़िया साड़ी दोगे ना, फिर वृंदावन में हम श्री राधा रानी को पहनाएंगे, ठीक है। अभी प्रभु जी भजन गाएंगे। हाँ, कल जिनको माला लेने का इच्छा होगी कल आपको हम माला देंगे। अभी सबके सब खड़े हो जाओ, अभी प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन की भजन गाएंगे और सबके सब भजन में नृत्य करना। सबके सब गिरिराज नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। उगत गोवर्धन का नाम है रे, नामने देव मनवा गज गोवर्धन को हरि नामने देव मनवा I'm gonna make you mine.
Yeah.